अपनी मनपसंद फिल्में देखने के लिए सब्सक्राइब करें अल्ट्रा मूवी पार्लर, बेल आइकॉन को दबाएं। Alpha for Bravo, over. Alpha for Charlie, over. लेफ्टिनेंट कालिया, कैरी आउट अ डिटेल रेकी विद दिस पेट्रोल। खबर मिली है कि कुछ चूहे एलओसी क्रॉस करके इस तरफ घुस आए हैं। ऐसी कोई भी हरकत नजर आए, लेफ्टिनेंट गेट इन टच विद मी इमीडिएटली एंड पास मी द इंफॉर्मेशन। डोंट वरी सर, उन चूहों को हम कुचलकर एलओसी के उस तरफ ढकेल देंगे सर। गुड, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। Lieutenant Kalia, come in, come in, over. Lieutenant Kalia, come in, come in, over. Lieutenant Kalia, this is your CEO. Lieutenant Kalia, Lieutenant Kalia, come in, come in, over. Amit, Amit, do you hear me, Amit? Amit, over. Get me brigade headquarters. Alpha 2 Tiger, come in. Over. Sir, I have a problem. Not been able to establish radio contact with both my patrols for last 2 weeks. There's absolutely no news of them. This is the cause of worry, sir. Now you do one thing, Colonel. Wait for my further orders. And please don't send any more search parties. Let me talk to the higher command and I'll get back to you. Over and out. Over. अरे क्या हुआ? बम बूस्ट लगा हुआ था साहब।
अंधेरे में दुश्मन कहाँ थे पता ही नहीं चला। मुजाहिदीन और पाकिस्तानी ट्रूप्स एलओसी क्रॉस करके कई किलोमीटर तक अंदर आ बैठे। ओह, इस इंफॉर्मेशन से लगता है कि दे आर ऑल ओवर मुश्को वैली, द्रास सेक्टर, पटालिक सेक्टर। वो तो पूरे इंडियन टेरिटरी पे कब्जा किए हुए एंड दे ऑक्यूपाइड ऑल आवर बंकर्स टू। सर, जो खाने पीने का सामान हमारी फौज अपने बंकर्स में छोड़ाई थी वही खा पी रहे और हम ही पर हमला कर रहे हैं। सर, प्रॉब्लम ये कि 0.4875 तोलोलिंग और कुकरथांग सो नेशनल हाईवे नंबर 1 पर नजर रखे हुए और हमारे कॉन्वॉय पे कंटिन्यू शेलिंग करवा रहे हैं। सिचुएशन इज वेरी सीरियस, कनेक्ट मी टू दिल्ली। राइट सर। सर, द एनिमी प्लान इज सिंपल, टू कट ऑफ कश्मीर फ्रॉम लद्दाख बाय हिटिंग नेशनल हाईवे नंबर 1 सर। ऑर्डर्स फ्रॉम दिल्ली आर वेरी क्लियर, मैक्सिमम मोबिलाइजेशन कारगिल सेक्टर में किया जाए। ऑर्डर्स है कि हमारी ज्यादा से ज्यादा बटालियंस तैनात की जाए। एंड एज वी नो, दुश्मन ऊपर एडवांटेजस पोजीशन पे बैठा हो और हमें नीचे से हमला करना पड़े, सो द रेशियो विल बी 6-1। हमारे 6 मरेंगे, उनका 1। एंड कारगिल टेरेन इज सच वेयर द रेशियो विल बी 10-1। एंड दैट्स द रीजन why maximum mobilization is taking place. Sir, let us cross the LOC and cut off the enemy from behind so that we lose less lives. Pakistani area mein ghuskar unko piche cut off karke unke supply ke sare raste band kar dete hain. No, Brigadier. The orders are very clear that we'll be going by the book. At no point of time we will cross the line of control. These are the clear instructions from Delhi. And so, let's move 1/11 Gurkha first. लेकिन सर, 1/11 गुर्गा तो अभी अभी सीएचएन से लौटे हैं। कांट हेल्प इट, दे आर द बेस्ट फाइटर्स फॉर दिस एरिया। 1/11 जीआर का कमांड कर्नल ललित राय को सौंपेंगे। लेट मी टॉक टू हिम। सर, कर्नल ललित। सर, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोसीड टू याल्दूर कारगिल सेक्टर इमीडिएटली एंड टेक चार्ज ऑफ 1/11 गुर्गा रेजिमेंट। यस सर। विल मेक अरेंजमेंट्स टू ड्रॉप यू एट याल्दूर विद इन 24 आवर्स। आई विल बी देयर। मैं वहां पहुंच जाऊंगा सर। साहब जी, 27 जेसीओ, 470 अदर रैंक हाजिर हैं। बटालियन हिलो मत। श्रीमान, 3 ऑफिसर्स, 27 जेसीओ और 470 अदर रैंक हाजिर हैं। ओके। बटालियन विश्राम। बहादुरी का दूसरा नाम गुरखा बटालियन है। बहादुरों, ये लड़ाई और खून खराबा हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। हाल ही में कश्मीर को हमने खून में रंगे देखा। गुरखा पट्टन का नाम सारी दुनिया में मशहूर है। एक मर्तबा हिटलर जैसे सिपाही ने भी कहा था, अगर गुरखाओं की पलटन मुझे मिल जाती है तो मैं सारी दुनिया पे फतेह पा सकता हूँ। इसीलिए आज आपका ये सीओ ललित राय अपने बहादुर सिपाहियों को कारगिल पे फतेह देखना चाहता है। कोई शक नहीं सर। जय बाकोली। बटालियन माउंट।
कमांड से मैसेज है। कर्नल ठाकुर सर, मूव योर बटालियन 18 ग्रेनेडियर्स टू कारगिल द्रास सेक्टर इमीडिएटली। स्टॉप ऑल ऑपरेशंस इन कश्मीर वैली एंड प्रोसीड इमीडिएटली। राइट सर। मध्ये चुकून तुला पण घेऊन टाकला असता। क्यों, डर गया क्या? वो पूरी तरह से आर्म था, तुझे मार सकता था। और हाँ, मी मराठा है, मर्द मराठा, डरते नहीं डराते हैं। और मैं हरियाणवी जाट, सिर्फ मारता हूँ। आज तुमचा प्रॉब्लम है ये हरियाणवी भैंसों वाली बुद्धि, ना पहले कुछ सोचते हो ना बाद में। जय महाराष्ट्र, जय हरियाणा। सचिन बलवान, तुम लोग अपने आपस का झगड़ा बंद करो। मैसेज आया है कि वैली के सारे ऑपरेशंस कैंसिल हो गए हैं और बटालियन इज मूविंग फॉरवर्ड टू द्रास सेक्टर। कम ऑन। विश्राम। मेरे जवानों, हुक्म मिला है कि तोलोलिंग पहाड़ी, जो हमारा अपना हिस्सा है, जहां पर हमारी अपनी पोस्ट भी है, दुश्मन ने उस पर कब्जा कर लिया है। वहां से वो नेशनल हाईवे 1 पर अपनी नजर गड़ाए हुए है। हमारी कॉन्वॉय की हर मूवमेंट को वो देख रहा है और उस पर नजर भी रख रहा है। हमें दुश्मन को बाहर भगाना बहुत जरूरी है। हमें उन पर हमला करना है। दो दो तीन तीन बटालियन वहां ऊपर भेजी गई। इस वक्त 16 ग्रेनेडियर्स वहां लड़ाई कर रही है। अब ये टास्क हमें दिया गया और हेडक्वार्टर्स ये चाहती है कि हम ये बात मान लें कि वहां बस सिर्फ 8-10 मुजाहिदीन बैठे हुए हैं। और नागा बटालियन भी वहां पहुंच चुकी है सर। कुछ गड़बड़ है सर, कोई पूरी बात बता नहीं रहा है। साहब, अगर हुक्म हुआ तो अटैक जरूर करेंगे साहब, लेकिन दुश्मन इतनी ऊंचाई पर है कि अगर वहां से एक कंकड़ भी फेंकेगा तो 600 मील की रफ्तार से लगेगा साहब। और दुश्मन के बारे में हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है सर कि वो 8 है या 800। 8,000 भी हो तो क्या है साहब, वो हमारे घर में घुसे बैठे हैं। अगर उनको बाहर निकालना होगा तो निकालेंगे साहब। कहना बहुत आसान है, अगर हम सब फैमिली और आप हमारे पिता हैं, तो आप क्यों जानते बूझते हुए अपने बच्चों को अंधेरी गली में ढकेलना चाहते हैं, वो भी आंखों के ऊपर पट्टी बांधकर। जब कोई बच्चा अंधेरी गली से गुजरता है तो डर के मारे सीटी बजाता है, गाना गाता है। हम भी गाना गाते हुए जाएंगे सर, वही पुराना गीत जो मेरी मां गुनगुनाती रहती है, सुन बैरी बलम, सच बोल रे अब क्या होगा। अब नहीं साहब, अब कहिए। अबे तू यहां लड़ाई जीतने आया या मेरी भाषा ठीक करने? सॉरी साहब। सर आप ऑर्डर दीजिए, बटालियन तैयार है। 18 ग्रेनेडियर्स सर्वदा शक्तिशाली, सर्वदा शक्तिशाली। हेलो कर्नल बाबा, लिसन, Move your battalion 17 Jat to Kargil Mathan sector immediately. Okay, sir. Jai Hind, sir. Jai Hind. Relax, Anush Siran. Catch your breath. Thank you, sir. ये बर्फ कहाँ से चुरा लाए? यहाँ और चुराने को है क्या, कुदरत की रंगीनी या फिर बर्फ की ठंडक। Never said a true word. Okay, Anuj, now tell me, मिशन पे क्या हुआ? चार आदमी थे सर, चारों अफगान या फिर ट्राइबल्स। तीन तो गांव के बच्चों और औरतों की आड़ लेकर भाग गए, एक को तो मैंने धर लिया। उसे इंटरोगेट तो किया होगा? किया था सर, लेकिन वो रोता रहा और एक ही बात कहता रहा कि खुदा के वास्ते मुझे गोली मार दो। क्यों? उसका कहना था सर कि अगर मैं जिंदा रह गया
तो तंजीम के आदमी मुझे मार डालेंगे, और अगर मैं मर गया तो मेरे बीवी बच्चों को 3 लाख रुपए मिलेंगे। इसलिए खुदा के वास्ते मुझे गोली मार दो। मैंने पूछा पैसे कौन देगा, उसने कहा तंजीम। सर मुजाहिदीन या अफगान पीर पंजार तक पहुंच चुके हैं। पाकिस्तानों के पैट कश्मीर से बहुत बड़ी मूवमेंट नजर आ रही है सर। We must inform brigade headquarters. That we will do, Anuj. The battalion is moving to Mathayan. Kargil sector. Kargil? Trouble area. Yeah. हाँ जंगू सर, आपको टेररिस्ट धरने के बहुत चांस मिलेंगे और हमें ट्रिगर दबाने के। Of course, Anuj. Let's go. जय हिंद सर। दीपक, तुम्हारी छुट्टी तो अभी बाकी थी ना? छुट्टी तो अभी बाकी थी सर, लेकिन जो मैंने गुजारी वो मैं ही जानता हूँ। क्यों, क्या हुआ? हर तीसरे दिन एक फौजी का कॉफिन गांव में आ रहा था। वो ज्यादातर सिख रेजिमेंट के थे सर। दीपक, हमारी बटालियन वही जा रही है जहाँ से ये कॉफिन आ रहे हैं। उन्हीं कॉफिन्स का बदला लेने तो मैं जल्दी आया हूँ सर। दीपक सर, अब दुश्मनों के ताबूत बनेंगे। लेट्स होप सो। मेजर जोशी, जो Yes, sir. You have been promoted as Lieutenant Colonel. Thank you, sir. I hope I deserve it, sir. You take command of 13 JNK Rifles Battalion. I got to be the commanding officer of the battalion, sir? That's right. Right, sir. Things here at Kargil are pretty bad. Now your task. Move to Gumri, Kargil sector. Right, sir. Thank you, sir. जय हिंद। अजय, वैली के सारे ऑपरेशंस कैंसिल हो गए हैं। बटालियन त्रास सेक्टर के लिए आगे बढ़ रही है। विक्रम बत्रा कहाँ है? पेट्रोल पार्टी के साथ गया था। इंफॉर्मेशन मिली थी कि 5 मील दूर गांव में कुछ आतंकवादी छिपे हुए हैं, उन्हीं के लिए गया था। कब गया था? 4 दिन हो गए। 4 दिन हो गए? What the hell? क्या तुमने उसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की? Of course, विकास, मैंने एक पेट्रोल पार्टी भेजी थी, लेकिन जब तक वो लोग गाँव में पहुंचे वो वहां से निकल चुका था। और उस कंबक ने हमें कॉन्टैक्ट करने की कोशिश भी नहीं की। आई होप द पेट्रोल पार्टी इज ओके। आखिर उनकी सुरक्षा भी तो हमारी जिम्मेदारी है। Let's get him on the radio. Come on. Yeah. Abraham. Sir, Vikram sir आ गए हैं। Abraham. Abraham sir. Abraham. अबे ओ सुपरमैन, thank God you're okay. कहाँ रह गया था तू? अरे रह कहाँ गया, आ तो गया मैं। अरे विक्की, हम लोग परेशान थे यार। पता है मेजर विकास इज फ्यूमिंग इनसाइड। तू निकल कहाँ गया था? निकल तो लिए वो आतंकवादी, ना जाने कहाँ कहाँ ढूंढता रहा। अबे अकल के दुश्मन, दुनिया मुसीबत से जान छुड़ाती है और तू मुसीबत को ढूंढता फिरता रहता है। मुसीबत से भागना नहीं, मुसीबत का सामना करना मर्दों का काम। यू आर क्रेजी। विमी, ये सब तैयारी क्या हो रही है? बटालियन जा कहाँ रही है? कारगिल ट्रास सेक्टर, सुना है वहाँ कुछ प्रॉब्लम है। चलो अच्छा है, वहाँ तो प्रॉब्लम ढूंढनी नहीं पड़ेगी। मैं रिपोर्ट करके आता हूँ। ठीक है, आराम से। बस 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 बस, शुक्रिया भैया, शुक्रिया। लाइए भैया, शुक्रिया। राम राम। राम राम। कैसे रमेश कुमार जी? ठीक है। राम राम। राम। अरे संजय, छुट्टी से जल्दी वापस आ गए? हाँ, तेरे घर भी गया था, भाभी ने लड्डू भेजा, दे दूंगा बाद में। माँ का हाल पूछा संजय? हाँ माँ जी ठीक है। बाजी आओ आओ। संजय बाबू, भैया कैसे हैं आप? और संजय बाबू, माँ ने बेड़िया बांध दी? हाँ भैया, माँ ने इस बार लड़की ढूंढ ली। और सुनाइए क्या हो रहा है? होगा क्या, मेजर जोशी साहब भी आ गए। मेजर साहब वापस आ गए? यानी एडवांस ट्रूप शाहजहानपुर से वापस आ गए? रेडियो के खबरों से ही लगा था कि मामला काफी सीरियस है। सिट डाउन सर। ऑलरेडी रेडी टू गो सर। गुड सर, इन्फॉर्मेशन है कि मुट्ठी पर मुजाहिदीन घुसकर बैठ गए, तो फिर पूरी बटालियन को मूव का ऑर्डर क्यों? इंफॉर्मेशन, मुसीबत छोटी है या बड़ी ये तो वहीं जाके मालूम पड़ेगा। सर व्हेन डू वी मूव सर?
We have to reach Gumri in 48 hours. We'll be ready, sir. Let's move. राम राम साहब, सब राम राम, आराम से। संजय, छुट्टी से जल्दी आ गया? हाँ साहब, जैसे खबर मिली कि पलटन फॉरवर्ड मार्च कर रही है, मैं तुरंत चला आया। रघुनाथ जी साहब, घर से चिट्ठी आई है, माजी की तबीयत कैसी है? ठीक है साहब। जवानों, मेरे साथियों, जब मैं छोटा था तो हम बस्ती के बाहर एक हवेली में रहते थे। जब भी कोई मेहमान आता था तो उसकी खातिर तवाजो की जाती थी। जब कोई बिन बुलाया आता था तो उसे खिला पिला कर बाहर भेज देते थे। कभी कोई भटका हुआ जानवर घुस आता था तो उसे लकड़ी से हाँक कर बाहर कर देते थे। लेकिन जब भी कोई चीता या भेड़िया घुस आता था तो उसे गोली मार दी जाती थी। आज हम सबके घर में ऐसा ही कुछ हुआ है। कुछ भेड़िए हमारे घर में घुसकर बैठ गए हैं। अब तुम लोग ही बताओ उनके साथ क्या सुलूक किया जाए? मार दिया जाए। वैसा ही कुछ करने जा रहे हैं हम। वादा करो कि ये काम पूरा किए बिना हम वापस नहीं आएंगे। क्या ये इरादा पक्का है? हाँ, ये इरादा पक्का है। भैया गजब भयो, बाबा जी दूल्हा बनो, गोरा की सच गई बरात, काप काप कापे हियो। पहुंच गए मेरी बन्नी के बन्ना। तू भी बस क्या है यार। अरे भाई, शादी के बाद तू मेरे को पहली बार मिला है। कैसी थी? क्या शादी और क्या, जैसी होने ती हो गई। माँ ने लड़की पसंद की, हमने कर ली। हाँ, लड़की कैसी है? अच्छी है, सुंदर है। अब सुंदरता तो देखने वाले की आंख में होती है भाई। माने सुंदर है। तस्वीर लाए हो? हाँ। कहाँ है? दिल में। और यादें? वो भी दिल में। और हमारे लिए क्या लाए हो धौलिया? मिठाई। वो कहाँ है? बिस्तर बंद में, ले लो। वेरी गुड। मुझे लगा था कि तू कहेगा कि पेट में। Now come to the point, सोल्जर योगेंद्र सिंह यादव। जी आज बोलिए। सुहागरात कैसी? तू भी यार छोड़ ना यार। अरे बताना। चका चक। अरे साले, शादी तूने क्यों, मैं मरते मरते बचा। वो कैसे? तू भी योगेंद्र सिंह यादव, मैं भी योगेंद्र सिंह यादव। तू भी 18 ग्रेनेडियर में, मैं भी 18 ग्रेनेडियर में। बधाई का इकतार मेरे पास आ गया कि शादी मुबारक। वो तो अच्छा हुआ कि यहाँ पे पहुंचा मेरे पास। अगर कहीं घर पे पहुंच जाता तो पत्नी पड़ती और कहती, हाँ चल ना दूसरी शादी कर ले, और डंडा लेके वहां से निकलती और यहाँ पहुंचती। फिर तो नाम देता रहता और बंदा लेता। अच्छा होता जो जूते पड़ते तुझे भाभी के। यार लेकिन सुहागरात तो जैसी रही वैसी ठीक थी, अच्छी थी। लेकिन सुबह 4 बजे जब मेरी आंख लगी, हाँ, एक बड़ा भयानक सपना देखा। कैसा? मैंने देखा कुछ लोग मेरे हाथ से हमारा तिरंगा छीनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यादव जी, मैंने भी तिरंगे को छोड़ा नहीं, अकेले ही साढ़ों को मार मार भगाया, तिरंगे को छोड़ा नहीं। यादव जी, जुबान की तरह तेरे सपने भी काले हैं साले। देख, हो गया ना सपना सच। अब तू अकेला नहीं, हम सब जा रहे हैं तिरंगे को बचाने के लिए। कर लेना जो करना हो। अरे करना क्या, करना क्या है? इसी झंडे के डंडे से मार मार के पहुंचा देंगे उस पार सालों को, घुसेड़ देंगे जहां से आते साले। पंख फैलाए हुए मोर बहुत देखे हैं, घन पे छाए हुए घनघोर बहुत देखे हैं, और नाला कहता है समंदर से, उमड़ना सीखा।
हमने बरसात के ये शोर बहुत देखे हैं। अरे भैया गजा भयो। अरे यार समझाया यार इसको समझाया। तुम कारगिल जा रहे हो और अब तक कुछ नहीं कहा। सुना है वहाँ बहुत टेंशन है। शायद भगवान ने मुझे मौका दिया है कि आपके मैं जान देकर अपने साथियों को जिंदगी दे। खबरदार जो मेरे सुहाग को गाली दी और वो भी शादी से पहले। अच्छा बाबा अच्छा, फिर कभी ऐसी बात नहीं करूंगा। वापस आकर ब्याह करूंगा, फिर तुम और हम जन्म देने वाली बातें किया करेंगे। ओके चल हट। पलटन कहाँ है? मेरी पलटन कारगिल की तरफ रवाना हो चुकी है। सुना है वहाँ लड़ाई क्या? सारे फौजी हो भाई, लड़ाई तो बहुत भाग्यशाली फौजियों को लड़ने को मिलती है। आप लड़ाई की बातें करते हो तो मेरा दिल बैठ जाता है। ए खबरदार मिसेज यादव, अगर एक आंसू भी बहाया तो मैं तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा साथ लेके जाना चाहता हूँ। हंसो 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 हंसो। योगेश तुमने क्या समझा, ऐसे ही चले जाओगे? अरे मुझे लगा तुम सो रही थी। जानती थी तुम सुबह सवेरे ही चले जाओगे। मैं रात भर सोई नहीं, सब सुन रही थी। तुम उठे, बाथरूम गए, शावर लिया, कपड़े बदले और फिर चोरों की तरह निकल रहे थे। मैं तुम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था। ईशिता उठ जाती ना तो मुझे जाने नहीं देती। तो भी चले ही तो जाते ना अपनी दूसरी फैमिली के पास। मेरी सिर्फ एक ही फैमिली है, मेरे पलटन के जवान, तुम और ईशिता। और हम किसके सहारे? तुम्हारा है ना रक्षा करने वाला, मंदिर में बैठा है ना वो मुरली वाला। तो तुम्हारे जवानों की रक्षा वो नहीं करेगा क्या? क्यों नहीं करेगा? अपना काम करने के लिए वो एक मीडियम चुनता है और मैं समझता हूँ कि उसने मुझे चुना है। अच्छा बाबा, लेकिन अपना ख्याल रखना। डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं हो सकता और मैं होने भी नहीं दूंगी। खुद मौत भी आ जाएगी ना तो मैं बीच में खड़ी हो जाऊंगी। अच्छा देखे तो ऐसे। पापा जल्दी आना। ये तेरा चेहरा क्यों उतर गया? चाची, मेरी पलटन सोपोर से ऊपर कारगिल के लिए रवाना हो गई है, मुझे भी जाना है। ना बेटा, 65 में तो तेरा चाचा चला गया और अब तू, अगर तुझे कुछ हो गया तो ये टब्बर ही खत्म हो जाएगा बेटा। मेरा टब्बर बहुत बड़ा है माँ, पूरी हिंदुस्तानी फौज है इस टब्बर की रखवाली के लिए। फिर अब नहीं जाऊँगा तो कब जाऊँगा भारत माँ की रक्षा के लिए? मुझे आशीर्वाद दे। देख हंस के रवाना करना है। ठीक है बेटा। अरे तू संतो, अरे संतो रुको तो, सुनो। मैंने सब सुन लिया है। तो अभी से कायरों के गहने आंसू भर लिए अपनी आंखों में? हाँ मैं कायर हूँ, तुम्हारी तरह बहादुर नहीं जो हंस के तुम्हें गोली के सामने भेज दूँ। अगली मुझे कुछ नहीं होगा, तुम्हारे प्यार का कवच जो पहना है। बहला रहे हो? नहीं, वादा करता हूँ पलट के जरूर आऊंगा, किसी और के लिए नहीं तो सिर्फ तुम्हारे लिए। आ ही जाना, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो दुनिया मुझे ही डायन कहेगी जो अपने मंगेतर को खा गई। दुनिया की बात फिक्र है तुम्हें? हाँ मेरी दुनिया तुम्हें से शुरू होती है और तुम्हें पर खत्म। This time I'm serious. Serious about you. I swear. अच्छा मेरी आंखों में देखकर बताओ, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो तुम जा सकती हो।
What do you plan to do in life? Join the army. Why army? Because a soldier lives by chance, loves by choice, and kills by profession. I'm very impressed, Mr. Vikram Batra. अच्छा मिट्टू, एक ऑफिसर को ज्यादा वक्त बॉर्डर पे बिताना पड़ता है. निभा पाओगी? Don't you think you're moving too fast? I want this relationship to be more than a mere friendship. मैं इस दोस्ती को एक नाम देना चाहता हूँ. निभा पाओगी? अब तुम मेरी आंखों में आंखें डालकर बताओ मेरा जवाब क्या है. Mr. Anuj Nair. Excuse me. Lieutenant Anuj Nair. I'm sorry. Yeah, you better be sorry. Never call me Mr. again, okay? अरे, तुम तो अभी से ही झगड़ने लगे. आगे जाके क्या होगा? क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा हमारी एनिवर्सरी की फोटो बिगड़ जाएगी. Excuse me? Are you proposing to me? I don't know. Am I? Well, yeah. I suppose I am. So, yes or no? Lieutenant Anuj Nair, you are an officer. Behave like one. Get down on your knees and ask for the lady's hand. Yes, ma'am. Will you marry me, please? Yes, I will. लाओ, दिखाओ. कहाँ जला है? छोड़ ना माँ, कुछ नहीं हुआ. अरे ला ना. हाय दया. बना लगाए दे बेटा. अम्मा, तेरा बेटा फौज में भर्ती होने वाला है, जहाँ बड़े बड़े बम फटेंगे. वहाँ आएगी उसके हाथ चूमने. तू ऐसी बात करता है बेटा, हमारा जी बैठ जाते. अम्मा जी, ई लो, आ गई हमार सहारा, हमारी पड़ोसन. अरे बिटिया रानी, थोड़ी देर पहले आई होती तो चाय बना लेती. देखो भैया जी ने अपना हाथ जला लिया. कहाँ? हट, हाथ पकड़ने के पीछे पड़ी रहती है. अरे दिखा ना. नहीं माँ जी, हाथ पकड़ने के लिए इंतजार करना पड़ेगा. क्या मतलब? ये अच्छी तरह से जानते हैं हम क्या बात कर रहे हैं. अरे ये अपना कोई काम हमें नहीं करने देते. चाय बनाते खुद, ताड़ी के लिए पानी खुद ही गर्म करे, बटन भी टाके अपने कुर्ते में, नाड़ा निकल जाए तो ब्रूस से डाले, और हमारी नजर इधर उधर हो जाए तो बैठ के अपना कुर्ता बनियान खुद ही धो ले. क्यों जी, आप ये सब क्यों करते हैं? अम्मा, होश संभालने से पहले 8-10 साल तूने सब कुछ किया, अब जब मैं सब खुद कर सकता हूँ तो तुझे क्यों करने दूँ? जनरल मनोज पांडे, कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ औरतें करती हुई अच्छी लगती है. बिल्कुल सही कहा. देख बेटा, एक बहू लिया, तू भी खुश हो जाए और हमारा भी काम हो जाए. आज के जमाने में ऐसी बहुएं मिलती कहाँ है अम्मा? अरे मिलती है, हमने तो देख रखी है. अच्छा? पसंद भी कर ली. कौन? माँ जी, सिर्फ एक नाम नहीं लेना. हे माँ, नहीं तो आपके बेटे के तेवर बिगड़ जाएंगे. मैं चली. अरे कहाँ चली? माँ जी दाल रखी है, बैठूंगी उसके सामने, इंतजार करूंगी कि कब दाल गल जाए. अच्छी है ना? अच्छी? पागल है.
शेलिंग हो रहा है, होशियारी से जाना साहब। कॉन्वॉय को मैसेज कन्वे कर दो, चौकन्ने रहें। साले डल्ला इको आगे शेलिंग हो रहा है, होशियारी से जाना। मनोज लो। थैंक यू सर। क्या सोच रहे हो मनोज? सर ये घुसपैठियों का काम नहीं हो सकता। आर्टिलरी से एमिनेशन डंप उड़ाना, टीवी टावर उड़ाना, आर्टिलरी तो पाकिस्तानी आर्मी के पास है ना सर। तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही है मनोज, लेकिन अपना गुस्सा और ताकत दुश्मन के लिए बचा के रखो। मुझे किसी और पर नहीं बल्कि अपने आप पर गुस्सा आ रहा है कि दुश्मन एलओसी क्रॉस कर कर अंदर आया कैसे। बंकर्स खाली पड़े थे, गुस्सा है बस। घर वाला घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं। ठीक है सर, अगर दूध की पतीली का ढक्कन खुला भी हो कम से कम कुत्ते को तो शर्म आनी चाहिए। नेशनल हाईवे 1 को तोड़ना चाहते हैं ताकि लद्दाख को कश्मीर वैली से अलग थलग कर सके। हाँ सर, सुना था कुछ चूहे घुसाए। माँ का ये चूहे की आवाज है क्या? बलवान, शायद ये साले चूहे हमें दम करने वाले। धनाधन भम के गोले, धनाधन भम के गोले, टूट गई बेचारी चूला राम गरीब बंदे तोलाइयो चढ़वार दीवाने हो गए यार ने ना बोलिए।
सर, ना तो किसी ने दुश्मन को देखा है ना सुना है। वो कौन है, कितने हैं, कोई कुछ नहीं जानता। बस गोलियों की बौछार है और मरने वालों के कराने की आवाज है। उस घायल जवान ने तुम्हें कुछ तो कहा होगा। सर, वो तो ये भी नहीं जानते कि ऊपर बैठे इंसान हैं या जानवर, कुत्ते हैं या भेड़िए। कुत्ते और भेड़िए राइफल और रॉकेट लॉन्चर्स नहीं चलाते अनुज। ये लोग या तो वो जिहाद के दीवाने हैं जिन्हें एक बार तुम वादी में देखा हो, और उनकी जो फायर पावर है उसको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि उनका साथ पाकिस्तानी फोर्सेस जरूर दे रही हैं। दिस इज अ सीरियस सिचुएशन सर। ऊपर बैठ के जो गोली चला रहे हैं ना, वो 4 भी हो सकते हैं और 4000 भी। सर, जिसकी कोई जानकारी नहीं उस खंदक में झोंका जा रहा है हमें। अंधी अंधेरे में घुसते हुए हाथों में टॉर्च ना सही, मोमबत्ती तो होनी चाहिए सर। शर्मा जी, अगर आपको सवाल जवाब का इतना ही शौक था तो आप फौज में क्यों आए? किसी विधानसभा, लोकसभा या किसी और सभा में गए होते आप? आई एम सॉरी सर। इट्स ओके। ब्रावो कंपनी को तैयार करो, रेकी के लिए, दुश्मन को समझने के लिए, इस इलाके को जानने के लिए। आई नीड अनुज विद मी सर। श्योर, बट आफ्टर 3 डेज ऑफ एक्लिमेटाइजेशन। अब आपको किसी को कुछ कहना है या कोई सवाल पूछना है तो अभी पूछिए। आफ्टर दिस नो क्वेश्चंस, अंडरस्टैंड? यस सर। सर, वी विल मेक कॉन्टैक्ट विद द एनिमी इन 3 डेज सर। दुश्मन को हम पहचान लेंगे, आई प्रॉमिस यू। गुड लक। हमारा ट्रक सड़क से नीचे उतर गया है, उसे निकालने के लिए मदद चाहिए साहब। चलो चल के देखते हैं। Come on boys, let's move. बटालियन के साहब, इसमें 8 सिख और ग्रेनेडियर्स के जवानों की डेड बॉडी हैं जिन्हें हम लेकर श्रीनगर से दिल्ली जा रहे हैं। ताशें और वो भी ट्रक पर घर, सौगंध माँ के दूध की, हर एक जान का बदला लूंगा। इस वक्त मैं बदले के बारे में नहीं, इनके घर वालों के बारे में सोच रहा हूं जिनकी आंगन में इन शहीदों की लाशें जाएंगी। सर, लगता है कारगिल सेक्टर में काफी खतर है। Let's put the coffins inside. इंफॉर्मेशन ठीक है, 101 मुजाहिदीन है, गलत थी। अंदाजा है कि 2 से 3 हजार दुश्मनों की स्ट्रेंथ है जो मुश्को वैली से बटालिक सेक्टर तक कब्जा किए हुए है, सपोर्टेड बाय पाकिस्तान 5th नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री। साहब, कुछ आदमी लेकर दाहिनी तरफ जाओ। जी साहब। जी शेलिंग से पूरा गांव खाली हो गया है। ऑल क्लियर साहब।
सर। विश्राम, बैठो मनोज, कम से मनोज, हमने यालदोर गांव पर अपना कब्जा कर लिया है, क्यों ना इसी को अपना बेस कैंप बना लें। सर, ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह ने ऑर्डर्स दिए हैं कि हमारी गोरखा कंपनी की एक कंपनी 53 बटालियन और 16 ग्रेनेडियर्स की मदद करेगी। ठीक है सर। जो कि कुकरतांग की तरफ आगे नहीं बढ़ पा रही है दुश्मन की रेजिस्टेंस पावर की वजह से। एनिमेट कुकरतांग इज वेरी पावरफुल, अ मैन इन फायर पावर, और तुमसे बेहतर दुश्मन से और कौन लड़ सकता है पहलवान पांडे। मैं चाहता हूं कि एक कंपनी लेकर तुम कुकरतांग की तरफ प्रोसीड करो। जी सर। ठीक है ना, काम हो जाएगा सर, विल बी डन। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, चाय खाने के लिए हमें राशन ना मिले, लेकिन नॉमिनेशंस की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए सर। आई विल मेक श्योर ऑफ दैट। सर, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी पूरी तैयारी करो। जी सर। मैं एक कंपनी लेकर जुबार की तरफ प्रोसीड करूंगा। टुमारो वी विल मूव एट 600 आवर्स। सर, 600 आवर्स इट विल बी सर। विश्राम, मैंने आराम का हुक्म तो दिया है, ये जानते हुए भी कि आने वाले दिनों में आराम हम सबके लिए हराम है। हमें काम ही ऐसा सौंपा गया है कि आराम हमारे नजदीक नहीं भटकेगा। हमारा निशाना होगा कुकरथांग पोस्ट। 3 पंजाब और 16 ग्रेनेडियर्स के जवान कुछ दिनों से कुकरथांग पोस्ट कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दुश्मन की नफरी और असला इतना ज्यादा है कि हमारे जवान चंद कदम भी नहीं बढ़ा पाए। हमें उनकी मदद के लिए जाना है। मैं जानता हूं कि काम आसान नहीं है, लेकिन गुरखा रेजिमेंट का हौसला, बहादुरी और इतिहास देखते हुए मुश्किल भी नहीं लगता। कोई शक नहीं साहब। असला तो हम लेकर जाएंगे ही, लेकिन साथ में काफी स्ट्रेचर्स भी लेकर चलना। इसका मतलब है साहब कि हम में से काफी लोग वापस लौट कर नहीं आएंगे। हम में से हर कोई लौट कर आएगा, चाहे वो किसी भी हालत में हो। ये मनोज पांडे का वादा है आप सबसे, हम एक भी साथी पीछे छोड़कर नहीं आएंगे। कोई शक नहीं साहब। लेकिन साहब फिर भी कुछ जाने तो जाएगी। जरूर जाएंगी। शायद तुम नहीं जानते कि मौत की दुल्हन का भी स्वयंवर होता है, वो खूबसूरत से खूबसूरत जवान ले जाती है। फिर तो मेरा कोई चांस नहीं पड़ता साहब जी, मैं बिल्कुल खूबसूरत नहीं हूं। ऐसा तू समझता है थापा, कभी अपनी मां से पूछना कि तू कितना खूबसूरत है। पंजाब से मिले हो गया साहब। कितनी दूर है? बताए नजीक है साहब। पोजीशन लो, शायद दुश्मन हमें धोखा दे रहा हो। लिंक अप कोड दो। ब्रेवो 1 फॉर अल्फा 1, ब्रेवो 1 फॉर अल्फा 1। लिंक ऑफ घुमती, लिंक ऑफ घुमती, ओवर। ब्रेवो दिस इज अल्फा, लिंक ऑफ घुमती के सहारे, सहारे ओवर। घुमती के सहारे बोल रहा है, घुमती के किनारे बोल रहा है? सहारे बोला साहब। ठीक है, अपनी पोजीशन दो और लिंकअप के लिए बुलाओ। ब्रेवो 1 फॉर अल्फा 1, गेट रेफरेंस 43126, ओवर। दिखाई दे रहे हैं साहब जी। खबर अच्छी नहीं है साहब।
तीन पंजाब और 16 ग्रेनेडियर्स दोनों की पेट्रोलिंग पार्टी कुकरथांग की ओर गई है और वापिस नहीं आई है। हम लोग 20 दिन से यहाँ पड़े हुए हैं साहब। आप लोग अपने साथियों की तलाश में नहीं गए? नहीं साहब, हमें हुक्म था कि हम अपनी पोजीशन ना छोड़ें ताकि और जाने न जाएं। इस पोजीशन पर हमने बड़ी मुश्किल से कब्जा पाया है। ब्रिगेड नहीं चाहता है कि इस पोजीशन पर दुश्मन का कब्जा हो जाए और दुश्मन आगे बढ़ जाए। ठीक है, अब गुरखा आ गया आप लोगों को रिलीव करने के लिए, हम इसी रास्ते से ऊपर जाएंगे। इस रास्ते से मत जाइए साहब, इसी रास्ते से हमारा पेट्रोलिंग पार्टी गया था जो अभी तक वापस नहीं आया। मैं इसी रास्ते से जाऊंगा। हेलो हेलो सिमरन, लिसन। ओह सॉरी आंटी, सिमरन को फोन देंगे? सिमरन, ओह जीसस, आई एम ग्लैड टू हियर योर वॉइस। ये है दीवाना आशिक। व्हाट लक डार्लिंग, इन बर्फीली चोटियों के नीचे एक एसटीडी बूथ मिल गया। एंड वंडर ऑफ वंडर्स, तुम भी घर पे मिल गई। क्यों, बाहर घूमती रहती है क्या? मंगनी तो हो गई, इसके बाद शादी होगी, और शादी के बाद बोलो ना, इसमें शर्माने की क्या बात है? बताओ ना बाबा। मैं बताता हूँ, इनकी शादी तोलुलंग में होगी और हनीमून ये टाइगर हिल पे मनाएंगे। फैंटास्टिक जिमी, कीप इट अप। सर्दी तो बहुत है सिमरन, मगर तेरी याद की हरारत से मैं सर्दी का मुकाबला कर लेता हूँ। वाह, याद हीटर का नया ब्रांड है क्या? एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे जानते हैं? अच्छी तरह तो नहीं, मगर फोन पे आपकी बात सुन सुन के थोड़ा जान चुका हूं। और मैं भी आपकी बकवास सुनकर आपकी बदतमीजी से वाकिफ हो गया हूं। जी जी। Hey guys, 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 relax, relax. कैप्टन संजीव जामवाल, 13 जैकरिफ। कैप्टन अनुज नायर, 17 चार्ट। और यह लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा, मेरा साथी। हंसी मजाक इसके साथ ही पैदा हुआ था और शायद इसके साथ ही जाएगा। डोंट माइंड हिम। बत्रा साहब, मजाक वहीं तक अच्छा होता है जहां तक किसी का दिल ना दुखे। अगर मैंने आपका दिल दुखाया तो मैं माफी चाहता हूं। Very sorry. That's like it. It's all right. And by the way, it's Vicky. अनुज। अनुज, कहां से हो? दिल्ली से। और आप? पालनपुर। Ah, beautiful place. Beautiful women. Really? Yeah, very. आओ आओ योगिंदर, तुम भी लाइन में लग जाओ। सब? हाँ भाई, नहीं नहीं, शादी जो हुई है बेचारी से बात तो कर ही लो। हाँ? जी सर। यार एक बात बताओ जी, बातों से दिल भरता है क्या? साहब ये बात तो वही जाने जिसकी शादी हुई है, आपकी तो शादी भी नहीं हुई साहब। सॉरी साहब, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि घर वाले इंतजार कर रहे हैं कि बलवान छुट्टी पर कब आए और उसके हाथों में शादी की हथकड़ी पहना दी जाए। तब तो हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं सर। आप माफ कीजिएगा सर, मैं संजय कुमार, जेएनके राइफल्स। आप दोनों की बातें सुनकर रह नहीं पाया। बलवान सर, योगिंदर, 18 ग्रेनेडियर्स। राम राम। राम राम। शादी के बाद वाले पहले मिलन की ललक, अपने आप में मीठी तड़प। पिया मिलन को जाना, पिया मिलन को जाना। शायर बन गया साहब। शादी कर लीजिए, अच्छे अच्छे गंवार भी शायर बन जाते हैं। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण साहब। क्या खा रहे हो? रोटी है साहब। ओह, योगिंदर ठीक ठाक? ठीक ठाक साहब। बाबू शाय। हाँ बोलो। ओ सुभाष चंद्र जी की जय हो। कैसे हो बलवान? की भालो भाची। भालो भालो भालो। क्या खा रहे हो? रोटी। ओए सचिन। काय रे बलवान। शिवाजी महाराज की जय। जय हो। जेल का जेव तो है जोड़ार का गे ना। अरे अरे, ये क्या कर रहे नमूने? नमूने? आधी रोटी बंगाल से ली, आधी रोटी महाराष्ट्र से ली, यूपी से कुछ तो लूंगा कि नहीं।
बलवान अपने लिए खाने के लिए कुछ नहीं लाया? सर लाया हूँ सर, भर के लाया हूँ, लेकिन खाने के लिए नहीं, खिलाने के लिए। खिलाने के लिए? जी, गोलियां लाया हूँ सर, पाकिस्तानियों को खिलाऊंगा। डोंट टेल मी, मतलब अपना खाना नहीं लाए हो? इतने वजन की गोलियां उठा ली सर, पाकिस्तानियों को गोली की भूख कुछ ज्यादा है आजकल। शाबाश, वेल सेट। पार्टी शेलिंग हुई है यहाँ, लगता है यहीं एक्शन हुआ है। संभाल के, लाइन माइंस हो सकते हैं। संभाल के चलने, लाइन माइंस। अभी भी पकड़ा हुआ है साहब जी। जिंदगी ने साथ छोड़ दिया तो क्या हुआ, कम से कम सिपाही की बंदूक तो उसके साथ है। साहब इसको मरे हुए तो कई दिन हो गए हैं, ये 16 ग्रेनेड्स का है साहब। इसका मतलब बाकी की मिसिंग पेट्रोल भी आसपास होगी। सबसे पहले इन बॉडीज को नीचे लेके जाने का बंदोबस्त करो। कैसर मंचा जी साहब, छीटो कार्रवाई करने। जी साहब। मैसेज दो के हमें जल्दी रीइंफोर्समेंट चाहिए, तब तक हम आपकी पोजीशन होल्ड करके रखते हैं। कोई शक?
झगड़ा होने वाला है। सब पत्थरों के पीछे कवर लो। कोई फायर नहीं करेगा। कोई शक नहीं साहब। थापा थापा जैसे चांद बादल में छुपेगा आगे बढ़ना, उसके निकलते ही वहीं रुक जाना। दुश्मन को हमारा मुंह में खबर नहीं होना चाहिए। जी साहब।
वेट, साहब शेर साहब लाइन पर हैं। घूमते के सहारे टू अल्फा ओवर। कांग्रेचुलेशंस मनोज, दिस इज अ ग्रेट डे, फर्स्ट विक्ट्री ऑफ ऑपरेशन विजय, ओवर। थैंक यू सर, ओवर। मनोज, क्या बात है? यू डोंट सीम टू बी हैप्पी। ओवर। इट इज अ ग्रेट डे फॉर यू सर, बट फॉर मी इट विल ऑलवेज बी अ डे व्हेन आई लॉस्ट माय मेन। आज मैंने 9 गोरखा भाई खोए जिनकी लाशें उनके घर वालों के लिए रवाना कर रहा हूं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग थ्रू सर। इन जवानों की जिंदगियां मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मनोज, सिपाही जब लड़ाई पर जाता है तो जज्बात को पीछे छोड़ के जाता है। ओवर। यू आर राइट सर। ओवर एंड आउट। ओवर। मगर ये कंपक जज्बात छोड़ दरवाजे से घुस के दिल को दबोच लेते। जैन साहब। जैन। Take a seat. Let me brief you, gentlemen. हमारा पहला एम .4540 पर कब्जा, ताकि मुश्को वैली के सारे रास्ते बंद कर दिए जाएं जहां से पाकिस्तानी घुसपैठियों को मदद पहुंचती है। Our final objective .4875. This point is as important as Tiger Hill. यही वो पॉइंट है जहां से पूरे द्रास इलाके पर नजर रखी जा सकती है, और हमारे नेशनल हाईवे की सुरक्षा के लिए यह पॉइंट हमारे कब्जे में होना बहुत जरूरी है। मेजर पुनिया। यस सर। आप बी कंपनी को लेकर .4540 पर अटैक करेंगे, चार्ली कंपनी रिजर्व में रहेगी। ठीक है सर। मेजर दीपक रामपाल। सर। आप 3 जेसीओज, 60 जवान और कैप्टन अनुज नैयर, आप दोनों यू विल सर्वे द हाइट्स बिटवीन 5930 टू 4830। दीपक, तुम हमेशा कहा करते थे ना कि हमारा काम है दुश्मन को ढूंढना और खत्म कर देना, टू सीक एंड डिस्ट्रॉय। यस सर। वेल, दिस इज योर चांस। ब्रिगेडियर कक्कड़ हैज गिवन अस द गो अहेड। अनुज, तुम दुश्मन को पहचानना चाहते थे ना, जाओ पहचान करा उनसे, अपने इंडियन आर्मी की पहचान करा उनसे। गुड लक बॉयज। अनुज, तू तो फंस गया बच्चू, सारी जिंदगी झांगों में गिरा रहेगा। माई सिस्टर इन लॉज योर टू बी वाइज बेस्ट फ्रेंड एंड माई ब्रदर योर बैचमेट। आप क्या करेगा? कौन जाने जंगू सर, जंगू और नायर के नाम से जाने जाएंगे या नायर जंगू के? अच्छी बात तो ये है कि रिश्ते अगर दोस्ती में रह गए तो जिंदगी का सफर बहुत खूबसूरत हो जाएगा। ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने, है छोटा लेकिन बातें बड़ों जैसी करता है। लेकिन अनुज सर, बच के रहना। होप दिस जंगू डोंट मेक यू इनटू घर जमाई। हां ए अरे सर, उसकी मोहब्बत में तो मैं घर जमाई बनने को भी तैयार हूं।
दीपक सर, ये तो दुश्मन की मोर्टार पोजीशन है। कितने आदमी हैं? मोर्टार पोजीशन में जितने होते नहीं होंगे। ओके सर, एक बात बोलो। हाँ। उस पाकिस्तानी को पेशाब करते हुए देखकर मेरा भी सुसु करने का बड़ा मन कर रहा है। इसका मतलब तेरी खातिर इनको जल्दी मारना पड़ेगा। Yeah. When you gotta go, let's go then. Let's go. Charge, Balwan! This is Alpha. Pass your message over. Sir, sir, we captured the mortar position. But unfortunately, we've lost few men, sir. Kuch zakhmi ho gaye aur kuch shaheed ho gaye, sir. God damn it. Anyway, you consolidate your positions. Apna kabza banaye rakhna. And don't worry, I'll be sending you reinforcements to bring back the wounded and the dead. Over. Yes, sir. We'll check the position, sir. Come back soon, Deepak. I'll be waiting for you. Over. Sir. Over and out. Over and out, sir. Everybody alert. लगता है कोई आ रहा है, शायद दुश्मन ना हो। Take position. कैजुअलिटीज लेके आ रहे हैं। यादव जी, हाँ, हाल तो बुरा है अपने साथियों का। दुश्मन नजर आता है ना ही दुश्मन की ताकत का अंदाजा लग रहा है। आप ही सोचिए, जब वो जवान की आंख में गोली मार सकते हैं तो कितनी अच्छी पोजीशन पे होंगे। What is this? Can't see the enemy, you don't know their position? Madness! आपकी पलटन कितनी दूरी पर है? यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर है साहब। ओके, लेट्स गो। यस सर। जय हिंद सर। जय हिंद। व्हाट इज द पोजीशन बलवान? सर, 16 ग्रेनेड्स की हालत बहुत खराब है। राम राम साहब। राम राम। आर्टी शेलिंग बहुत हो रही है। हमने कैजुअलिटी से बात की जिन्होंने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी। कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा हुई हैं? जी बहुत बहुत ज्यादा। देयर इज नो आर्टी सपोर्ट। राम राम साहब। राम राम साहब। राम राम। जय हिंद सर। जय हिंद।
I believe Thapa, the situation is very bad. Yes, sir. It's very serious, sir. Let's go inside. Come in, sir. Let's prepare for the Tololing attack, sir. Saab, aapki chitthi aayi hai. साहब किरण नेम साहब की चिट्ठी है, पढ़ तो लीजिए। बाद में पढ़ लूंगा हरी सिंह, मैं जानता हूँ इसमें क्या लिखा होगा। यही लिखा होगा कि कुछ दिनों में हमारी शादी की पहली सालगिरह है। पूछ रही होगी कि शादी के सालगिरह पे घर आ रहे हो ना? अब तुम ही बताओ हरी सिंह, इस सवाल का मैं क्या जवाब दूं? MMG का मतलब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा की सर। धर्म की जय, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, 18 जनेंद्र की जय, की जय, की जय। अरे सचिन सर, कुछ दिखाई नहीं दे रहा यार, और ऊपर से फॉग बहुत ज्यादा है। और इसे वाकई में सर फॉग कुछ ज्यादा ही है। योगेंद्र सिंह यादव, तुम क्या कहते हो, आगे बढ़े या हम फॉग हटने का इंतजार करें? जैसा आप ठीक समझो साहब, आगे बढ़ते हैं सर, आहिस्ता आहिस्ता। नहीं बलवान, एक तो दुश्मन और उसके ठिकानों का भी पता नहीं, और ऊपर से ये फॉग, आई थिंक हमें यही इंतजार करना चाहिए। सचिन, कंपनी को विश्राम करने का ऑर्डर दो। सर कंपनी आराम से। सचिन काय रे, डर लग रहा है? तू जा आइला, डरे मेरे दुश्मन। जय महाराष्ट्र, जय हरियाणा। यादव जी। जी यादव जी, ठंड बहुत ज्यादा है और स्लीपिंग बैग भी नहीं लाए, इस ससरा गर्मी कहां से लाएंगे भाई? तो आप लड़ने नहीं आए, सोने आए? नहीं भाई, जब कंपनी को विराम का आदेश मिल ही गया है और धुंध भी बहुत ज्यादा है तो सुस्ताने को दिल करता है ना। एक काम करो यादव जी, आंखें खुली रखो और एक झपकी ले लो। जो व्यक्ति खुली आंखों से सपने देखता है वो सपने जरूर पूरे होते हैं यादव जी, और मैं सपना देख रहा हूँ दुश्मनों की माँ का। सॉरी सॉरी फॉर अब्यूजिंग। खा के मोटा हो गया, दिमाग भी मोटा हो गया है क्या? आई गॉट इट।
fall back! No, sir! मैं दुश्मन के बहुत पास हूँ, sir! I cannot lose ground, sir! I cannot lose ground! It is an order, Rajesh! नीचे आ जाओ! Sorry, sir! I cannot do that, sir! I cannot do that! Rajesh, fall back! Sir, अगर हम नीचे आ गए, तो इस जमीन पर दोबारा कब्जा करने के लिए बहुत सारी जानी जाएगी, sir! Okay, okay! Over! अपने काम करिए। हम अपनी कैजुअल्टीज को नीचे उतारते हैं। सूरज उगने से पहले। We will regroup them and get them tomorrow night, sir. I totally agree with you. मैं और जाने खोना नहीं चाहता। कंपनी, take cover. It's an order. Cover low. सचिन, मैं बलवान बंदर की तरफ जा रहा हूँ। Now you take cover. Cover. Give me cover fire. जवानों, कारगिल आने से पहले सीओ साहब ने हमें कहा कि हमारी पलटन का नारा है विजय या वीरगति। अब समय आ गया है दुश्मन पर विजय प्राप्त करने का, और हमारे साथी जो वीरगति प्राप्त कर चुके हैं या इन पहाड़ों में जख्मी पड़े हुए, उनका बदला लेने का। कोई शक नहीं, सर्वदा जिस किसी को भी अपने घर खत भेजना हो, वो चिट्ठी लेकर सीओ साहब को दे दें। इसके लिए आपको आधे घंटे का समय मिलेगा। इशू सर, स्पीक टू योर वाइफ। सर, आपकी इजाजत से पहले जवानों को, जो भी अपने घर सैटेलाइट फोन पर बात करना चाहता है, आगे बढ़िए। लो, अपने अपने घर फोन कर लो, जाओ। सर, इन केस आई डोंट कम बैक, अगर मैं वापस ना आऊं तो मेरी बेटी का कन्यादान आप कर देना। ए बदमाश, चुप कर। अपनी बेटी का कन्यादान तो खुद ही करेगा। एक ही बात है सर, सिर्फ तो किस बात का है कि मैं अपने बीवी बच्चों से बात नहीं कर सका। सर, जब जीत कर वापस आएगा तो अपनी बीवी से बात कर लेना। कितनी दूरी पर है? He's 6 to 12 feet away from अधिकारी's body, sir. And he's trying to bring it down, sir. ठीक है, मुझे अधिकारी की body के पास जाना है। Cover fire तो. Sir, it's too dangerous, sir. It's too dangerous for you, sir. देखो सचिन, मेरे लिए भी उतना ही dangerous है जितना तुम्हारे लिए है. Okay, sir. Just relax. Just give me cover fire, okay? Okay, sir. Okay. Okay, sir. Come on, move, move. विश्वनाथन सर को cover fire दो. Come on, move, move, move. विश्वनाथन सर. बलवान. राजेश, अधिकारी की बॉडी कहाँ है? थोड़ा आगे जाके इसके वाले ऑपरेटर के पास ही है सर। But we have to retrieve his body. उसकी बॉडी वापस लानी होगी। Negative सर। मैं दो बार जा चुका हूँ, दो बार कोशिश कर चुका हूँ सर। वहाँ से बहुत हैवी फायरिंग हो रही है। I don't care, बलवान। रणवीर सिंह, मुझे कवर फायर देना। जी सर। मुझे उसके पास जाना। No, sir, just stay there, sir. Thank you.
I think I'm hit. मुझे कहाँ लगी? I'm hit. I got hit. Hey, hey, तू सही चला? No. साहब को नीचे लेके जाओ. सुनो नहीं, नहीं मुझे नीचे लेके जाने में साथ आठ आदमियों की जरूरत पड़ेगी. हमारी बटालियन की स्ट्रेंथ कमजोर हो जाएगी. Listen to me. Listen to me. You just get those bastards. Can't tolerate this order. Alpha coming. Alpha coming. This is Alpha. Pass your message over. मिशन आते साथ गोली लगी है. मुझे कुछ नहीं हुआ सर. We just want that dollar link, sir. Sir, क्या हुआ है सर? Why did you come up, sir? आपको आपको चांस ही लेना चाहिए. आर यू ऑलराइट? सर आई एम फाइन सर. आई एम फाइन. ब्रिंग दी स्ट्रेचर. नहीं सर, नहीं सर, सर सर मुझे नीचे लेके जाने में आठ हफ्ते की जरूरत पड़ जाएगी. बटालियन कमजोर हो जाएगी सर. बॉय सर बस मेरी बात जलासे से करवा दीजिए. आई वांट टू टॉक टू माय वाइफ सर. ओके बस सर, आई वांट टू टॉक टू माय वाइफ. ओके थैंक यू सर. हेलो हेलो जलाजा. हाँ मैं जलाजा बोल रही हूँ. जलाजा या या टॉक टू विशु. या हेलो. हाँ विशु. विशु विशु मैं जलाजा बोल रही हूँ. विशु विशु टॉक टू मी विशु. विशु हेलो. विशु हेलो. विशु टॉक टू मी विशु. हेलो विशु. हेलो हेलो विशु. हेलो सपोर्ट चाहिए सर. यू नीड आरटी सपोर्ट सर. कर्नल ठाकुर होल्ड योर पोजीशन एंड डोंट मूव फॉरवर्ड. आई डोंट वांट एनी मोर कैजुअल्टीज. आई एम सेंडिंग यू रीइंफोर्समेंट. टू राजपूताना राइफल्स विल बी देयर शॉर्टली. राइट. थैंक यू सर. ओवर एंड आउट. ओवर एंड आउट. सचिन सर. सचिन सर. टू राज रिफ इज हियर एज रीइंफोर्समेंट. कमांड हमें आरटी सपोर्ट भी दे रही है. विशु राजेश को हम खो चुके हैं. नो मोर कैजुअल्टीज. यस सर. होल्ड ऑन योर पोजीशन. ओके सर. कोई फायर नहीं करेगा, कोई हरकत नहीं करेगा जब तक रीइंफोर्समेंट नहीं आ जाती. अड़िए बलवन तू खास करके गड़के दूला आज के बाद क्या करे सर. चल of 13 Jack River here. At ease, gentlemen. I was expecting you, Colonel. वैसे आपकी तारीफ और शोहरत तो आपके आगे आगे चल रही है और हमारी फौज में तो लोग कहने लगे हैं इफ यू वॉन्ट टू नो यू जस्ट आस्क जो. जो भी पूछना है जोशी से पूछो. यू आर एम्बैरसिंग मी सर. शर्मिंदा कर रहे हैं आप मुझे. नो जो नो जोशी सर. सिर्फ एक ही नाम है तोलुलिंग. वी नो दैट कर्नल. नेशनल हाईवे नंबर वन सर हमारी लाइफ लाइन है और उसे बचाने के लिए तोलुलिंग से दुश्मनों को निकालना बहुत जरूरी है सर. इनफैक्ट 18 ग्रेनेडियर्स उस पर चार अटेम्प्ट कर चुके हैं पर अनफॉर्चुनेटली दे हैव फेल्ड. वो इसलिए सर. लेट्स गिव देम द ड्यूज. ना उन्हें एक्लेमेटाइजेशन के लिए वक्त मिला है, ना आरटी सपोर्ट था, ना उन्हें इंफॉर्मेशन थी दुश्मनों की ताकत का. उन्हें रिहर्सल के लिए भी वक्त नहीं मिला था सर. बट योर बटालियन सर, उन्हें एक्लेमेटाइजेशन के लिए वक्त मिला है और आरटी सपोर्ट भी मिली है. आई अंडरस्टैंड यू कर्नल. लेकिन हमें आरटी सपोर्ट मिले ना मिले, एक्लेमेटाइजेशन के लिए वक्त हो ना हो,
राजपूताना राइफल्स तोलो लिंक पर कब्जा करके रहेगी। Do you know why, Colonel? क्योंकि हार और फेलियर जैसे शब्द न राज रिफ की हिस्ट्री में है न उसके डिक्शनरी में। भगवान करे ऐसा हो सर, लेकिन अगर ये काम आपसे ना हो सके तो ये काम 13 जैक राइफल्स को करना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं सर, दीज आर द ऑर्डर्स फ्रॉम द हेडक्वार्टर्स। डोंट वरी कर्नल, विक्ट्री एंड ग्लोरी विल बी आवर्स। आई एम श्योर सर। वन वर्ड सर, मुझे गलत मत समझिएगा, हर जीत को हासिल करने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। जाने जाएंगी सर, ट्राई एंड कीप द काउंट लो, क्योंकि जब भी हमारी फौज का कोई बच्चा शहीद होता है वो अपने साथ मेरी जिंदगी का कुछ पल ले जाता है सर। यू आर अ सेंटिमेंटल मैन कर्नल। दैट्स मी सर। जो ऑल द बेस्ट कर्नल। थैंक यू सर। मूव इट बॉयज। ये क्या एक्लाइमेटाइजेशन के चक्कर में डाल दिया सीओ साहब ने, या तो मारे या मरे। काहे को मरने की बात करते हो साहब जी, लगता है राजश्री मेम साहब से टेलीफोन पर बातचीत कोई ठीक से नहीं हुई। हाँ फोन किया था, मेरी आवाज़ सुनकर फोन रख दिया, और अब तो चिट्ठियों से उसकी रद्दी की टोकरी भी भर गई होगी। कमबख्त दुनिया भर को कुनीन और कैस्ट्रॉल की गोलियां खिलाती फिरती है, और मेरे बाबूजी को दाल चावल तक नहीं खिला सकती, और छोड़ने को तैयार ही नहीं। ठीक है दर नहीं, अब तो ये डिवोर्स हो के रहेगा। नहीं साहब जी, मेरा दिल कहता है कि आपका राजश्री मेम साहब का घर संसार फिर से बस जाएगा। Hey Robin, bullseye. Sir, I'm ready for trolling. Okay, come on, let's go. Right, sir. Come, sit down. Thank you, sir. अरे रॉबिन, तुम्हारा नाम विजयंत कैसे पड़ा? सर, माय फादर वाज पोस्टेड इन पठानकोट, वहाँ मेरा जन्म हुआ। कमांडिंग ए ब्रिगेड ऑफ विजन टैंक्स, ऐसे मेरा नाम विजयंत पड़ गया, बिहाइंड द टैंक्स। हे, डोंट माइंड मी गेटिंग पर्सनल। ऑफ कोर्स नॉट ताऊ, बोलिए। हाउ डिड यू मीट शीतल? शीतल ताऊ, आई मेट हर इन दिल्ली एंड फेल इन लव विद हर। लव एट फर्स्ट साइट? हां, ऐसा ही कुछ था। You want to marry her? Of course. उसके पेरेंट्स से बात हुई? अभी नहीं था वो। पहले शीतल अपने माँ बाप के दिल में मेरे लिए जगह बनाएगी, और जब वो जगह काफी बड़ी हो जाएगी तो मुझे भी अंदर खींच लेगी। तुम सच्ची बदमाश हो रॉबिन। ताऊ, जब आप मुझे रॉबिन बुलाते हो ना, तो लगता है कि मैं घर पर बैठा हूँ माँ के पास। या आने से पहले उनसे मिले? सर, मिला भी और नहीं भी। माँ, आप लोग कहाँ रह गए थे? ट्रेन छूटने वाली है। हम तुम्हारे फेवरेट मिठाई बेसन के लड्डू और गाजर का हलवा लाने गए थे, बस उसी में देर हो गई। थैंक्स मदर, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स डैड। रॉबिन, मेक मी प्राउड। यस डैड, आई विल। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू डैड। बेटा, अपना ख्याल रखना। माँ, आप मेरी चिंता बिल्कुल मत करना, आप अपना ख्याल रखना, ठीक है? ओह, ट्रेन चल पड़ी। ओके माँ, गॉड ब्लेस। ओके डैड, बाय बाय। टेक केयर रॉबिन। बाय बाय रॉबिन। बाय बाय डैड। बाय मॉम। पता नहीं कितनी देर तक वहां पर रुके होंगे। एक वक्त के लिए मुझे ऐसा लगा था कि सब कुछ पीछे रह गया है। Come on, let's go. Hey, Robin, don't get emotional. It's part of life, okay? Okay, Tao. Tao, आपने मेरे बारे में तो सब कुछ पूछ लिया, लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं बताया। ये बताइए, ताई से पहली बार कैसे मिले? बदमाश। बताइए ना ताऊ, प्लीज। बस, आई वॉज कमिंग इन अ ट्रेन फ्रॉम मद्रास टू हैदराबाद। वो मेरी सामने वाली सीट पर बैठी थी, मैंने देखा। कोई खास बात नहीं थी, जैसे आम लड़की होती है। वो मेरे सामने बैठकर स्वेटर बुन रही थी, और स्वेटर बुनते बुनते उसने मेरी तरफ देखा, और बस
बस मेरे दिल ने कहा यही है वो, यही तो है वो। क्या बात है ताऊ, क्या बात है, रोमांस एट इट्स बेस्ट। फिर क्या हुआ? फिर क्या, एक साल के अंदर अंदर हम दोनों एक हो गए और जल्दी ही एक से थी। ताऊ ये सब मुझे मालूम है, ताई माँ बनने वाली हैं और आप उन्हें रोज गीता के प्रवचन लिख लिख कर भेजते हैं ताकि वो आने वाले बच्चे को सुना सके। लेकिन वो बात नहीं बताई आपने। क्या वो पहली बार अपने दिल की बात ताई से कही कैसे? हाँ मुझे बहुत प्यारी लगती हो। हिंदी में या तेलुगु में? तेलुगु में। मीर नाकु चाला नच्चारु। मीर नाकु चाला नच्चारु। वाव। Come, Colonel Ravindran. The situation is very bad and we have to take control. Vivek. The troops at present are held up at this position. और यहाँ कहीं पर दुश्मन है। यहाँ से हमारी फौज ने अप्रोच किया एंड वी हैव लॉस्ट देम, लॉट्स ऑफ कैजुअलिटीज आ गया। एक अप्रोच ये बचती है जो बहुत ही स्टीप है, सीधी चढ़ाई। आई थिंक वी विल टेक दिस अप्रोच सर। व्हाट डू यू से आरजी? दैट्स राइट सर, वी हैव नो अदर चॉइस। यू आर लकी रविंद्रन, यू आर गेटिंग आरटी सपोर्ट। आई इंसिस्टेड ऑन इट सर। सो डिड आई। थैंक यू सर, ओवर एंड आउट। सो जेंटलमैन, वी मूव ऑन 12th। द आरटी गन्स बोफोर्स आर इन पोजीशन। द प्लान At 16:45 hours, 120 guns will open up. That is the time we will attack. Sir. C Company will be led by you, Vivek. Sir. Codename, Cobra. Yes, sir. The D Company will be led by you, Mohit. Sir. Codename, Arjun. And the Commando Platoon will be led by you, Nemo. Codename, Bheem. Yes, sir. We'll attack from three sides. Rajputana Rifles is ready to take Tolo Lake. अचानक मार दिया। क्या हो गया सर? राष्ट्र ने बेवफाई नहीं की, साली जिंदगी ही बेवफाई कर गई। मैं
अब आगे चलो, हम कमर फाड़ देते हुए आते हैं। This is Colonel Ravindran. Over. Come in, Colonel Ravi. Over. Sir, second Raj Riff is on Tololing top. Tololing par hamari jeet puri ho chuki hai, sir. Tololing par tiranga lehra raha hai, sir. Over. Congratulations, Colonel Ravi. Your battalion has done a great job. Thank you, sir. Over. What happened, Colonel Ravi? You are not happy? Khushi kis baat ki, sir? We have lost lots of officers and ranks. Over. How many men, Colonel Ravi? Sir, Major Vivek Gupta, Major Acharya, Captain Nemo, and Captain Vijayan Thapar. Sir, Tololing ki jeet ka sehra in logon ke sar par hai. It is close to impossible, sir.
लेकिन इन लोगों ने जीता तो लोलिंग हमारे लिए। कर्नल रवि, दिस इज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ द वॉर। यू एंड योर बॉयज हैव डन अ ग्रेट जॉब। वी हैव पेड हेवी प्राइस टू विन तोलोलिंग। ओवर एंड आउट। ओवर एंड आउट सर। Our base camp is ready, sir. Right. Let's go. Sir. Ram Ram, sir. Ram Ram. Ram Ram, sir. Ram Ram. Sit down, gentlemen. Gentlemen, I have good news for you. We are soon going to see action. Badla. Dushmano se badla. Yeah! Our first task is Rocky Knob. इसीलिए हमें कहा गया है कि Rocky Knob पर कब्जा करके दुश्मन की ताकत को कम करना है। भास्कर, you will lead Alpha Company. Sir, I'm sorry. मैं आप लोगों को अपने कोड्स देना भूल गया।
भास्कर या खलीफा? सर। मेजर विकास वोरा या नेपोलियन? सर। अजय जसरोटिया, इब्राहिम? सर। संजीव जामवाल, संग्राम? सर। विक्रम बत्रा या शेरशाह? सर। एंड डॉक्टर राजेश या चारक? सर। एंड माय पर्सनल कोड इज चाणक्य। खलीफा, यू लीड अल्फा कंपनी। राइट सर। नेपोलियन, यू लीड चार्ली कंपनी। सर। संग्राम एंड शेरशाह, यू रिमेन विद ब्रावो एंड डेल्टा एट फायर बेस, giving support to Alpha and Charlie. Sir. And I will back up with Phaget missile. Any questions? No, sir. Ram Ram, sir. Ram Ram, Ram Ram. Sab theek hai na? Haan, sir. Sab theek hai. Ram Ram, sir. Ram Ram. Hello, sir. Hi, Vicky. Aao, Vicky, aao. Come on, boys. Let's go. Chalte hain, Jassi, sir. Do pal zara baith to jao. Jaane mil baithna, phir kab naseeb ho? नसीब हो भी कि नहीं क्या पता। ए, ये तुम्हें क्या हो गया जिमी? ये दिल तोड़ने की बात तुम्हारी मुझसे अच्छी नहीं लगती। अरे तुम मिल बैठने की बात करते हो, हम तीनों बैठ के जश्न मनाएंगे। जश्न? हाँ यार, जश्न तो होगा ही। एक तो जीत की खुशी का, और दूसरा वो तेरी मैडम क्या नाम है उसका, ट्विंकल का मिसेस विक्रम बत्रा हो जाना। और फिर बारात के आगे आगे मेरा नाच कर थक जाना और फिर जाम उठाना और जाम से जाम टकराना मिस्टर एंड मिसेस विक्रम बत्रा के नाम। चीयर्स। वाह, बातों बातों में मुझे उम्र कैद की सजा भी सुना दी। आपकी मेम साहब का नाम क्या था? छोड़ना विकी। वंदना, है ना? यार विकी, नाम छोड़, काम की बात कर। भाई इसकी घोड़ी के आगे तो हमें भी नाचना पड़ेगा। सर आप आएंगे मेरी शादी में? आऊंगा। अरे यार तेरी बारात मेरे फार्म हाउस से तो निकलेगी। थैंक यू सर। अच्छा अच्छा, होल्ड इट होल्ड इट होल्ड इट। हम दोनों की शादी भी हो गई, नाच नाच के हम थक गए, जाम भी टकरा गया और नशा भी छा गया, पर आपका क्या होगा सर? हाँ सर, मेरा क्या होना यार, अपना तो वही है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवान। अच्छा जी, अब हम बेगाने भी हो गए? अरे यार तू भी बाल की खाल निकाल दो। सर माफी मांगिए, चलिए माफी मांगिए। हाँ भाई मांगूंगा माफी, लेकिन नशा तो उतरने दो। बैठो बैठो। क्या बात है संजय, तुम्हें पहले कभी इतना उदास नहीं देखा। मैंने भी अपने आप को कभी इस हालत में नहीं देखा साहब जी। घर से चिट्ठी ऐसी आई है। अच्छा, क्या लिखा है? लंबी कथा क्या सुना साहब जी, बस यू समझ लीजिए, घर में कमाने वाला मैं अकेला हूँ। तो? कुछ नहीं साहब जी, घर वालों को चिंता है, कारगिल की खबरें उन तक रोज पहुँचती हैं, सोच रहे होंगे अगर संजय कुमार को कुछ हो गया तो उनका क्या होगा। दोस्त कभी सुना नहीं है, जब दांत ना थे तब दूध दियो, और जब दांत दिए तो अन्ना ना देगा। संजय डोंट वरी, हम दोनों जिंदा लौटेंगे और फिर एक परिवार क्या 40 होने दो, हर एक मुंह में अन्न पानी होगा। मेरा एक ही परिवार ठीक है साहब जी। अच्छा ठीक है, तुम एक के बारे में सोचो, मैं तो 40 के बारे में सोचूंगा। आप 40 गोल मारेंगे साहब जी? अभी तक कितने मारे आपने? ए राइफल मैन संजय कुमार, तुम एक ऑफिसर से बात करो, हद में रहो। ओके। इतनी भारी शेलिंग, लगता है पूरी बैटालियन का अटैक है। हमने इनकी दो पेट्रोल पार्टी क्या उड़ा दी, पूरी हिंदुस्तानी फौज पागल हो रही है। बोलो दुर्गा माता की जय। Shut up!
अजय काने फक्त स्प्लिंटर लागला तुला डोंट वरी बहुत दर्द हो रहा है डॉक्टर मैं मरना नहीं चाहता मुझे पता नहीं कैसे बोल रहा हूँ मैं मरना नहीं चाहता मुझे मरना नहीं जैक अजय तब हाँ I don't want to die like this जैक ना कहीं ना उड़ा जाए काजी करने को गाबरने को मिया 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 अजय 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 खलीफा चाणक्य खलीफा चाणक्य कम इन दिस इज चाणक्य पास योर मैसेज ओवर सर We have captured Rocky Knob, sir. Now, Rocky Knob is in our control, sir. But, sir, there's a bad news. We lost a few men and Major Ajay Jasrota is not anymore, sir. Ajay is not in our beach, sir. Over and out. अजय जसरोटिया की मौत खाली नहीं जाएगी संग्राम शेरचा सर तुम अजय के नजदीक थे ना तो तुम दोनों को प्रूव करना है कि दोस्त मर सकता है लेकिन दोस्ती नहीं बाय कैप्चरिंग पॉइंट 5140 जिस जगह वो बास्टर्स भाग के गए हैं शेरचा सर तुम डी कंपनी की कमांड संभालोगे संग्राम सर तुम बी कंपनी की कमांड संभालोगे टास्क इज कैप्चरिंग ऑफ पॉइंट 5140 तुम जीत के आओगे इस बात का रत्ती भर भी शक नहीं मुझे लेकिन मैं चाहूंगा कि तुम लोग जीत का सिग्नल मुझे वहीं से दो क्या सिग्नल रहेगा आपका सर मेरा सिग्नल होगा ओ या कोई खास बात सर एनडीए के दिनों में ये मेरी स्क्वाड्रन का सिग्नल था सर शेरशाह तुम्हारा ये दिल मांगे मौत सर ओह गॉड विक्रम नॉट अगेन 5140 पर तो चढ़ाई चढ़ाई है भाई अरे 5140 तो हम जीत ही लेंगे फौजी है ये हमारा काम है लेकिन इस बार सारे देश को साबित करना है कि हिंदुस्तानी फौजी सिर्फ जंग के मैदान में सबसे आगे नहीं है बल्कि खेल कूद में भी सबसे आगे है इस बार नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में हमारी फौज की उम्मीदें आप पर होगी भैया क्यों हाँ मेयर सिंह तुम हमारी टीम के सबसे अच्छे प्लेयर हो कोशिश तो पूरी करूँगा दुर्गा माता की मर्जी होगी तो जीत हमारी ही टीम की
चाणक्य, कम इन चाणक्य, ओवर। दिस इज चाणक्य संग्राम, ओवर। चाणक्य, ओ या या या, हम अपने मकसद में कामयाब हुए। गुड, वेल डन, कांग्रेचुलेशंस। आर्यन फायर करो। शीर्षा, ओवर। चाणक्य, ये दिल मांगे मोर। चाणक्य, रिपीट, ये दिल मांगे मोर। Any casualties? The good news is, no casualties, चाणक्य। शीर्षा आउट। हम लोगों ने जीत हासिल कर ली है। दुर्गा माता की जय। Many more to come, Vicky. जीतकर आप लेफ्टिनेंट से कैप्टन बन गए। ऐसे ही गोल मारते रहेंगे तो जल्दी जनरल बन जाएंगे। थैंक यू संजय कुमार जी। लेकिन एक बात है साहब जी, जब आप जनरल बनकर फाइव स्टार गाड़ी में घूमेंगे तो सड़क पर चलने वाले इस मामूली सिपाही को मत भूलिएगा। संजय, सिर्फ जनरल, ये दिल मांगे मौन। ठीक है साहब जी, चीफ ऑफ आर्मी साहब जी। ये दिल मांगे मौन, इससे आगे क्या है साहब जी? है रिश्ता, दोस्ती का। संजय, मैं कितना भी ऊपर चला जाऊं मगर इस दोस्त विक्रम पत्र को कभी मत भूलना। ये वादा तुम करो मुझसे। नहीं भूलूंगा साहब जी। गुड, नहीं भूलूंगा। कर्नल ठाकुर, देयर इज अ चांस टू ब्रिंग ग्लोरी टू 18 ग्रेनेडियर्स। आई एम असाइनिंग योर बटालियन टू कैप्चर टाइगर हिल। डू वेल। थैंक यू सर। ओवर एंड आउट। ओवर एंड आउट। We have been assigned to capture Tiger Hill. 18 grenadiers को Tiger Hill पर कब्जा करने का जिम्मा मिला है। Can I depend on you? Tiger Hill will be won, sir. It's promise. You can depend on us, sir. हम आपको वचन देते हैं साहब, अपनी जान देकर भी हम तिरंगे को Tiger Hill पर फहरा के रहेंगे। हम अपनी जान क्यों देंगे? हम उन हरामजादों की जान छाती से निकालकर Tiger Hill पर कब्जा करेंगे। 18 grenadiers. सर्वदा शक्तिशाली। राम राम साहब। राम राम। So I said, I mean, once you shoot him, that's it. Well said, well said. Captain Shashi Bhushan Gildeyal reporting, sir. Major Deepak, nice to meet you, Captain. Nice to meet you, sir. मुझे आप ही का इंतजार था। Are the artillery in position? Yes, sir. They're all in position. बस आपके orders का इंतजार है। Whenever you guys are ready to attack the Pimple Complex, our guns will be ready to give you full support, sir. Good. By the way, this is Captain Anuj. Captain. Welcome, Captain. Jangu. Captain. Major Ritesh Sharma. Pleased to meet you, sir. Please sit. 4 hours की journey के बाद काफी थक गए होंगे. Thank you, sir. Gentlemen, he's our forward observation officer, providing us with artillery fire on enemy position. Napoleon ने कहा था, God is with those people who've got the biggest cannons. भगवान उन फौजों के साथ हैं जिनके पास सबसे बड़ी तोपें हैं, और हमारे पास तो बोफोर्स हैं।
और साथ में कैप्टन शशि भूषण। थैंक यू सर। और जीत हमारी होगी जंग में, क्यों कैप्टन? आपने बिल्कुल सही कहा सर, द बफोर्स इज अ प्रीटी डैम गुड गन। कंट्रोवर्सी और नो कंट्रोवर्सी, दिस गन विल विन द वॉर फॉर अस। जीत हमारी होगी जनमन। कहा सोच रहे हो यादव जी? कितने साल की बेटी है तेरी? 8। शादी हुए कितने साल हो गए? 10। सारे जब दाएं बाएं से बुलेट निकलती है तो किसकी याद आती है? घर वाले की याद आती है ना? ऐसा है यादव जी कि जब आप मौत की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो जिंदगी साला ज्यादा जोर से याद आता है। जिंदगी ज्यादा जोर से याद आती है, तेरी शेरनी सबसे ज्यादा जोर से याद आती है। वो कहते हैं हमसे कि तुम मुझे याद नहीं करते, मैं कहता हूँ कि तू जाए तो तेरी याद आए। उसली यहाँ से जाती ही नहीं है तो याद कहाँ से आएगी? यादव जी, इस साला टाइगर को मारने के लिए इतना बड़ा बंदूक? बंदूक नहीं है साढ़े, वो फोर्स तो है, वो फोर्स।
मेरे
Okay, gentlemen. Sir. This is the final assault plan. 17 Jat takes 3 Pimple. 13 JNK takes 4875. 1 by 11 Gurkha takes Kalubar. 18 Grenadiers takes Tiger Hill. God willing, victory will be ours. Satyameva Jayate. 11 GR ke officer sahiban, JCO sahab aur bahadur jawano, fauj ka koi bhi afsar utna hi bada hota hai jitni ki uski paltan. Kukar Thang ki jeet mein jo bahaduri aur sujat aap logon ne aur Lieutenant Manoj Pandey ne dikhai, mera sar fakhr se uncha ho gaya hai. Main aap logon ka shukriya ada karna chahta hu. Aur ab hamari paltan ka sar aur bhi uncha karne ka samay aa gaya hai. हमें खालूबार को कैप्चर करने का टास्क मिला है. 22 ग्रेनेडियर्स वहां फंसे हुए हैं, उनके पास वक्त बहुत कम है. अगर हम जल्द से जल्द वहां नहीं पहुंचे तो उन सबको अपनी जान से हाथ धो बैठना पड़ेगा. देर ऑल बी स्लॉटर्ड. सूरज डूबते ही हम खालूबार को मूव करेंगे. कोई शक नहीं सर. हमारा अटैक प्लान यह होगा, हमें सबसे पहले यह नदी पार करनी पड़ेगी. हिंदुस्तानी फौज नदी क्रॉस कर रही है, आर्टिलरी फायर शुरू करवाओ. टीटी 456, 456 फायर. यहां थोड़ी देर आराम करेंगे फिर मूव करेंगे. रिलैक्स. गोली मारने की कोशिश किया साहब जी. क्यों देबू तो नदी में फेंक गया साहब जी. शरीर में वो उसकी बहन का आदमी था साहब जी. मलाई मस्त जाना छोड़ दे, दिलीप मलाई छोड़ दे, प्रवीण मलाई छोड़ दे, छोड़ दे. छोड़ दे सुन, छोड़ दे सुन जी साहब. सुन जी साहब, मैं तेरे दुख को समझता हूं लेकिन तुम एक बहादुर गुरखा हो. मरना है तो मार के मर. देबू की मौत का बदला ले. उस बहन दुश्मन को मार जिसने तेरी बहन को विधवा बनाया. चल पकड़ बंदूक और दुश्मन पर चला. अपने आप पर नहीं. कोई शक? कोई शक नहीं साहब. कोई शक नहीं साहब. गो. मनोज सर. ऑल सेटल्ड? यस सर. यू हैव हैंडल्ड द सिचुएशन वेरी वेल आई मस्ट से. थैंक यू सर. बड़ी सूझबूझ और समझदारी के साथ कंपनी को मोटिवेट किया दुश्मन के खिलाफ. सर काके कमाल कर देता ही. डोंट माइंड सर, लेकिन आप पंजाबी बोल रहे हैं. आप पंजाबी तो नहीं है? पंजाबी नहीं हुआ तो क्या हुआ, पंजाबियों का जवाई तो हूं. ओके सर, तो मेम साहब पंजाबी हैं? बिल्कुल. और मेरी दो बच्चियां भी हैं, बड़ी प्यारी पंजाबी बोल लेती हैं. आपको बहुत याद आती होगी उनकी. सिट डाउन मनोज, प्लीज सिट डाउन. थैंक यू सर. ऐसे में कौन याद आएगा मनोज, या तो भगवान या फिर घर वाले. अच्छा तुम किसे याद करते हो मनोज? अपनी अम्मा को सर, लेकिन इस वक्त दिमाग में सिर्फ कालोबार है. कालोबार जीतना है सर. जीत का नशा आया तुम्हें मनोज? पहले कुकर थांग जीता, उसके बाद जुब्बार, और अब कालोबार की बारी है. यू राइट सर, परमानेंट नशा. And what if we lose? अगर हम हार गए तो? सर,
Some goals are so worthy, it's glorious even to fail. Well said. Thank you, sir. Sir, may I come in, please? Yes, Anush, come in. Sir, will you please do me a favor, sir? Yes, of course. ये सब क्या है सर प्लीज आप ये अंगूठी रख लीजिए मेरी मंगेतर ने मुझे दी थी अगर मैं वापस नहीं आया तो प्लीज उसे लौटा दीजिएगा क्या बकवास कर रहे हो डोंट से ऑल दिस तुम वापस आओगे और जीत कर आओगे भगवान करे ऐसा ही हो सर मगर फिर भी आप ये अंगूठी रख लीजिए मोहब्बत की अमानत बहुत भारी होती है सर इसका वजन उठाकर मैं मर नहीं पाऊंगा हेलो अनुज और कौन हो सकता है आई एम प्राउड ऑफ यू अनुज तुम्हारे और तुम्हारी बटालियन के चर्चे हैं यस आई नो वी हैव 1.4540 अब तो तुम वापस आ रहे हो ना बस 0.4875 कैप्चर करके मैं वापस आ जाऊंगा ये तुम्हारी कमक पॉइंट्स कब खत्म होंगे अच्छा सुनो हाँ बोलो अगर मैं वापस नहीं आया तो तुम किसी और से बकवास बंद करो लिसन टेक इट इजी सिमरन बी रियलिस्टिक दिस इज वॉर एनीथिंग कैन हैपन कुछ भी हो सकता है तुम्हारे पास एंगेजमेंट रिंग है ना हाँ है बस वही तुम्हारी रक्षा करेगी और तुम्हें मेरे पास सहरा बांध के ले आएगी ओके लव जैसा तुम कहो हेलो हेलो अरे कमाल है हमेशा पटर पटर करने वाली आज बिल्कुल चुप है कुछ तो बोलो क्या बोलूं? आई डोंट नो बाय बाय टाटा या फिर अपनी पंजाबी में चंगा जी भैर हाँ जब दिल दिल से बात करता है तो होठों को चुप रहना चाहिए अरे वाह आप तो शायरी करने लगी जिंदगी के पल ही शायरी को जन्म देते हैं अनुज वी आर रेडी टू लीव वेल दैट्स इट सुनो तुम्हें बहुत बुरी आदत है जाते हुए तुम कभी पलट के नहीं देखते इस बार जरूर देखना वरना जिंदगी भर यहीं खड़ी रहूंगी हाँ देखूंगा मगर एक शर्त पर अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम भी कभी पलट कर मत देखना हमेशा आगे बढ़ते रहना ले तू मुझे समझाई नहीं लेफ्टिनेंट अनुज नायर जिंदगी से हाथ छोड़ाना मुमकिन है लेकिन सिमरन से नहीं आई लव यू हेमा हेमा देख शायद भैया जी का फोन है हेलो 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 अम्मा अम्मा मनोज अरे भैया जी सच में भैया जी बोले हैं भैया जी हमारा तो दिल खुश हो गया भैया जी अम्मा मेरा मन कह रहा था कि तू ही फोन उठाएगी आज अरे भैया जी का फोन की बात बताई तुम्हें आकर लगा गए 10 दिन में बोले मुन्ना जी फौज में बहुत बड़ा अफसर है उके घर तो फोन होना ही चाहिए है? अरे कल 8-10 दिन बाद जब घंटी बजी तो बोले मिठाई खिलाओ अम्मा जी मिठाई खिलाओ हम कहा हाँ मिठाई जरूर खिलाई दे हमारा भैया वापस आ जाए हम जरूर मिठाई खिलाई दे लेकिन भैया जी आज तो हर फोन आ गया आज तो हम जरूर मिठाई खिलाई दे बुला के मिठाई खिलाई दे छोड़ ना अम्मा मैंने उन सब के लिए फोन नहीं किया तू बता तू कैसी है हम तो ठीक है भैया जी तू कैसा है क्या करे भैया जी ओए अखबार वाले टीवी वाले बहुत परेशान किए हैं बोले हैं
जादू है और खून की होली हो है। क्या भैया जी, बहुत बच्चे मर गए क्या? अम्मा, तू मेरी माँ की ऐसी बात करती है? ये अखबार और टीवी वाले तो दुनिया को डरा के पैसा कमाना चाहते हैं। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सब बिल्कुल ठीक। आए भैया जी, ई का आवाज थी। अब अम्मा, वो सावन का महीना है ना, बादल तो गरजेंगे ही। तुम बाबूजी को फोन दो। बाबूजी तो रे बाहर गए हैं रीडिंग रूम में, अखबार पढ़ते रहते हैं तोरी और तोरी पलटन की खबर के लिए। बाद में फोन कर लेना। कोशिश करूंगा अम्मा, शायद ये मेरा आखिरी फोन हो। आखिरी फोन है? ऐसी बात क्यों कहे हैं भैया जी? मेरा मतलब है अम्मा, ये बैटरी वाला फोन है ना, बैटरी खत्म हो सकती है। अच्छा ऐसा है, अच्छा तो ले हेमा से बात कर ले। हेमा, वो वहाँ क्या कर रही है? अरे बेटा, ये तो बहुत अच्छी लड़की है, सारा दिन हमार सेवा करे है, तेरे कमरे में रहे या हमारे साथ रहे है। इले बात कर। हेलो, कैसे हो हेमा जी? माँ का ख्याल रखना। जरूर रखूंगी, तुम भी अपना ख्याल रखना। हेलो 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 हेलो, तैयारी हो गई सारी जाने की? सब रख लिया? टूथब्रश, कंघी, दाढ़ी का सामान, पैंट शर्ट, स्वेटर, देखो सब गिन कर ले जाना और वापसी में गिन कर ले आना, कुछ गुम नहीं कर देना। और हाँ, वहाँ बर्फ में अपनी हीरोगिरी मत दिखाना, ठंड खा गई तो सारी हीरोगिरी बाहर निकल जाएगी। वहाँ ना माँ जी होगी ना हेमा, कोई पूछने वाला ना होगा। चिट्ठी लिखोगे ना? नहीं लिखोगे तो भी कोई बात नहीं, वैसे भी तुम्हारी चिट्ठी बर्फ जैसी ठंडी होती है। बस बस कर अपना ड्रामा, मैं निकल रहा हूँ, तू स्टेशन मत आना। क्यों? क्योंकि मैं तेरे दिल की हालत तुझसे बेहतर जानता हूँ। वहाँ आके सबके सामने आंसू टपकाएगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हम आंसू टपकाएंगे तुम्हें जाते हुए देख के? आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो? भाई मैं भी अपना नाम जानता हूँ, कुछ आगे भी बोलोगी? पता है मैंने तुम्हें कल देखा। कहाँ? अरे टीवी पर, उसके साथ क्या बुलाते हैं उसे, वही बरखा, बरखा दत्त, तुम बातें कर रहे थे उससे। हाँ, 0.5140 जीतने के बाद हम नीचे आए थे। हाँ हाँ, जब भी तो सब लोग बहुत खुश हो रहे थे, खास करके वो बरखा ऐसे खुश हो रही थी जैसे मेरी नहीं उसकी शादी होने वाली है तुमसे। मिठू, आज तक मैं समझता था कि तुम आधी पागल हो, लेकिन आज मुझे यकीन हो गया है कि तुम आधी नहीं पूरी पागल हो। हाँ हाँ, पूरी ही सही, लेकिन एक बात बताओ, तुम इतने खुश नहीं लग रहे थे। खुशी तो था। मिठू की आंखें धोखा नहीं खा सकती, और वो भी विकी के बारे में। तुम ठीक कहती हो,
लड़ाई में हर जीत की कीमत चुकानी पड़ती है. I just lost a dear friend, Major Jasrotia. और हमारी बटालियन की काफी जवान शहीद हो गए. I'm sorry, Vicky. I'm really sorry. It's part of the game. लेकिन वो सचमुच बहुत ही प्यारा था. पता है उसने वादा किया था कि वो हमारी शादी में आएगा और घोड़ी के सामने नाचेगा. जी करता है उड़कर आ जाऊं और तुम्हारी सारी दुख बांट लूं. तुम तो हमेशा मेरे साथ मिटो. अब तो तुम छुट्टी आ रहे हो ना? अप्लाई तो किया है पर छुट्टी के लिए नहीं, 0.4875 पे जाने के लिए. व्हाट, आर यू क्रेजी? ये दिल मांगे मोर. मोर के बच्चे, कभी मेरा भी सोचा है कि मुझ पर क्या गुजर रही है? डोंट वरी, आई विल कम बैक सून. मैं वापस आऊंगा और अगर नहीं आ सका तो देन प्रॉमिस मी तुम मुड़ के पीछे नहीं देखोगी. यू विल नेवर एवर लुक बैक. विकी, तुम कभी नहीं सुधरोगे. एक पल हंसाते हो और दूसरे पर रुला देते हो. इसी धूप छांव के खेल का नाम जिंदगी है मिट्टू. ओए फिलोसोफर, मुझे भाषा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ विकी चाहिए. विकी विकी विकी. ओके मिट्टू, आई लव यू. टेक केयर. और हीरोगिरी ज्यादा मत करना, फोन करना मुझे. अपना ख्याल रखना. रॉजर, ओवर एंड आउट. विकी विकी लिसन. I'm insecure about you. डरता हूँ कहीं तुम्हें खो ना दूँ. विकी तुम जा रहे हो ना, इसलिए सेंटिमेंटल हो रहे हो. मैं तो कहीं नहीं जा रही हूँ. अगर हमारी शादी हो जाती तो मुझे इतनी टेंशन नहीं होती. मगर तुम जानते हो ना, मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे. आप क्या सोच रहे हो? एक रास्ता है. भी करते तो भी मैं हमेशा तुम्हारी ही रहती. चलता हूं. करो मुश्किल मेरी, चाहूं ना चाहूं मुझको जाना ही होगा. पिया मेरे तन मन, मेरे प्यार के बंधन, दो पल तुम्हें रोकते हैं. कोई जाता हो तो पीछे से उसको ऐसे नहीं रोकते हैं. करो मुश्किल मेरी,
चाहूं ना चाहूं मुझको जाना ही होगा। पिया मेरे तन मन मेरे प्यार के बंधन दो पल तुम्हें रोकते हैं। कोई जाता हो तो पीछे से उसको ऐसे नहीं रोकते हैं। लेकिन पहला ना ही होगा। पिया मेरे तन मन मेरे प्यार के बंधन दो पल तुम्हें रोकते हैं। कोई चाहता हो तो पीछे से उसको ऐसे नहीं टोकते हैं। तुम चल दिए, एक दिन रुक जाओ ना। आई एम सॉरी, ऑर्डर इज इन ऑर्डर। अगर तुम गए तो हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे, और आज के बाद हमारे बीच जो कुछ भी था उसे भूल जाओ। एमा, ये मिलन के फिर आएगा ये समय।
बात ऐसी है, तुमने कही सावन में तो मुझको आना ही होगा। पिया मेरे तन मन मेरे प्यार के बंधन दो पल तुम्हें रोकते हैं। कोई जाता हो तो पीछे से उसको ऐसे नहीं रोकते हैं। या तो बर्फीली चोटी पे तिरंगा लहरा के आऊंगा, नहीं तो उसी तिरंगे में लिपटा हुआ चलाऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। जेंटलमैन, साथियों, जीत हमारी होगी, भगवान हमारे साथ है। जाट बलवान जय भगवान, जाट बलवान जय भगवान। अपनी बीवी की ट्रेजेडी के बारे में कुछ मत सोचना, सोचना दुश्मन के बारे में। गॉड बी विद यू। जी सर।
Don't forget the Bofors. The RT support will help us win the war. Yes, sir. God be with you. Thank you, sir. Sir! Deepak. जिस जोश से तुम छुट्टी छोड़कर आए थे ना, उसी जोश से दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना। I'm depending on you. I won't let you down, sir. God be with you, Deepak. Thank you, sir. Take care of the boys. Yes, sir. I know Anuj will be watching your back. इसकी नजर नहीं हटेगी तुम पर से। तुम भी अपनी नजर इस पर से मत हटाना। ये वक्त है दोस्ती और रिश्तों को भुला देने का। सिर्फ याद रखना दुश्मन। यस सर। गॉड बी विद यू। थैंक यू सर। अनुज, तुमने जो अपनी मंगेतर की अंगूठी मुझे दी थी वो तुम्हारी अमानत है और तुम्हारी अमानत रहेगी। वापस आओगे खुद अपने हाथों से पहन लेना। यस सर। प्रॉमिस मी दैट। Promises are made in heaven, sir. This is heaven. A country. God bless you. Thank you, sir. Battalion! Sir! Sir! Battalion! Sir! Sir! Salad! Kitchen! Mood! Kitchen! साहब, जय हिंद। तुम्हारी कंपनी की लोकेशन कहाँ है? हमारी कंपनी की लोकेशन तक जाने में एक घंटा लगेगा श्रीमान। हमें जल्दी से अपनी कंपनी की लोकेशन पे ले चलो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। सूरज उगने से पहले हमें अटैक करना होगा। चलो। लगता है हिंदुस्तानी फौज आगे बढ़ रही है। इनोवेशन ऑन फायर करो। आर्टिलरी फायर शुरू करवाओ। ईटी 456 फायर। श्रीमान, हम गलत रास्ते से आ गए हैं। कंपनी तो नीचे है। मूव डाउन। थैंक यू वेरी मच सर। आप लोग हमारी अधमरी पलटन के लिए हमरे धारा बनकर आए हैं सर। आप बताइए अब पोजीशन क्या है? पोजीशन अच्छी नहीं है सर, पर हो सकती थी अगर पाकिस्तानी को रीइंफोर्समेंट नहीं मिल जाती। इन्हीं बंकरों के पीछे उनका हेलीपैड है सर, और वहीं से उनकी कुमक आ गई। आपने अटैक तो किया था ना? शाबाश है हमारे GCO जाकिर हुसैन जिन्होंने हमें यह आइडिया दिया, और हमारे जवान सर पर ग्रीन पटका बांधकर और अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए ऊपर चढ़ गए, और उन्होंने समझा कि हमारे और भी साथी आ गए। उन्होंने हाथ देकर ऊपर खींच लिया सिर्फ बैनर और गोली खाने के लिए सर। इतना ही नहीं सर, हमारे जवानों के पास जब ग्रीन कपड़ा कम पड़ गया तो उन्होंने तिरंगे में से ग्रीन कपड़ा फाड़कर सर पे पटका बांध लिया सर। दैट्स वंडरफुल। बस ये पाकिस्तानी यही नहीं समझते कि पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान भारत में है, जो एक हिंदुस्तानी पहले और मुसलमान बाद में। वाह जाकिर हुसैन, शाबाश। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। संभल के कोई हरकत नहीं करेगा, नीचे बैठ जाओ।
गांजा टू बेस, गांजा टू बेस। गांजा पासी और मैसेज ओवर। मेरी ही को भेज दो सर, मेरी ही को भेज दो सर, ओवर। आ गई आपकी हिट, आ गई। योगिंदर जी साहब, एज पर प्लान तुम घातक सेक्शन को लेकर रस्सी के सहारे टाइगर हिल टॉप पर पहुंचो। पीछे से टेक देम बाय सरप्राइज। गारे जी साहब, मैं प्लाटून को लेकर साउथ की तरफ से पहुंचता हूं। जैसा आपको साहब। चलो योगिंदर। चलिए यादव जी। योगिंदर जी गुड लक। आपको भी साहब, अपना ख्याल रखना साहब। That's like a 17 shot. But to make Admi Leja protection killing. Admi!
जंगू सर, आपने कहा था आई एम गोना बी सराउंडेड बाय जंगूज ऑल माय लाइफ, और इतनी जल्दी छोड़ के जा रहे हो? ओके, आस्ते आस्ते, मैं वापस नहीं जाऊंगा। दिस इज नो टाइम फॉर जोक्स, आई डोंट यू लेट हिम गो। ओके, जल्दी चले जाओ। लेट्स गो सर, वरना तुम्हारा हाथ काटना पड़ेगा। गो मैन गो, कम ऑन गो विद हिम, कम ऑन, मूव मूव मूव। कैप्टन शशि सर, यू टेक इट, कम ऑन सर। यस सर। अदर शॉट, kill all of them on Mike Alpha. Message over. Message received. Over. Don Romeo 469929. Hotel 102 Oscar Tango 162. Target. What is the target? Over. Target 3 Pimple. One gun fire. Good shot, brother. Now that's those bastards. All guns open fire. दीपक सर, हाँ, मौत और मोहब्बत का करीब का रिश्ता होता है क्या? What? अभी अभी एक गोली मेरे कान के पास से गुजरी, जिससे मौत छूकर निकल गई। सारा बदन सर से पांव तक कांप गया है, जैसे पहली बार मेरी मोहब्बत का दुपट्टा मुझे छूकर गुजरा था। ऐसे पागल आशिक नहीं देखे, मौत के सामने खड़े हुए और इतनी मासूक याद आ रही है। Yes, sir. I agree with you. इनकी फायर फाइट करते करते सुबह हो जाएगी। अरे चलो लॉक संभल गए। रावणपिंडी
गया कराची। यादव जी आजा आजा, रुक जा यादव जी, यादव जी यादव जी। रीइन्फोर्समेंट ले आएंगे साले, मार दिया है पुलिस सालों ने। यादव जी आ गए हैं, ये रुक यादव जी, इनके एक एक की यादव जी, यादव जी सब नीचे चलते हैं। यादव जी, यादव जी, विजय या वीर गति यादव जी वंदन मातरम। ये गया लाहौर। लाओ अपनी रीइन्फोर्समेंट, रीइन्फोर्समेंट। यादव जी मैं साहब को लेके आता हूँ, रीइन्फोर्समेंट लाएंगे साले, मैं अपने साथियों को लेके आता हूँ। सुबह हो गई है, रात का इंतजार करते हैं। सर इसी वक्त का तो इंतजार था, रात तक ये लोग रीइन्फोर्स हो जाएंगे। अभी बफर्स ने तितर बितर कर दिया है। आई से लेट्स टेक देम नाउ। नो अनुज, दिन के वक्त बहुत कैजुअलिटीज होगी। आई कांट गिव द ऑर्डर्स नाउ। आई एम सॉरी सर, आई कांट वेट। कवर मी। अनुज, अनुज कम बैक, इट्स माय ऑर्डर। अनुज सुरेंद्र सिंह, आ साहब जी, कम ऑन कवर मी। जी साहब जी। नो सर, मेरे पिताजी ने मेरा हाथ देखा है, मेरी लाइफलाइन बहुत लंबी है, मुझे कुछ नहीं होगा। अनुज, हम सनसेट का इंतजार करते हैं। राइट सर। इनकी माँ का, इनकी माँ का, गोली मार दी मालूम। मैं सेक्शन के सारे बंदे मारे गए, यादव जी शहीद हो गए, वो हरामी पाकिस्तानी काउंटर अटैक करने वाले सब। आराम से, आराम से, आराम से सब जी। टाइगर हिल छोड़ना नहीं है, अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे, वो हरामजादों को भगाना है सर। साहब जी मुझे पीछे नहीं छोड़ना, मैं भी जाऊंगा आपके साथ। चलाओ। मैं जाऊंगा सर, मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा सर। उठाओ उसका, उठाओ उठाओ। Come on. Thank you.
साहब जी संभाल के, ध्यान से साहब जी। सुरेंद्र सिंह। दीपक सर, मुझे कुछ नहीं होगा। मेरे पिताजी गलत नहीं हो सकते। I'm not gonna die। और फिर अगर मैं मर भी गया ना, तो वो जो मेरी मंगेतर है, वो मुझे जिंदगी भर माफ नहीं करेगी। अनुज, don't die on me। अनुज, don't die on me। दीपक सर, अनुज, 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 बात करना चाहता हूं। हेलो दीपक, 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 कम ऑन, दीपक। हेलो दीपक, हेलो दीपक, कैन यू हियर मी? दीपक, टेल मी, दीपक, टॉक टू मी, कैन यू हियर मी? कम ऑन दीपक, कम ऑन, कम ऑन दीपक, दीपक, कम ऑन, टॉक टू मी। हेलो दीपक, कैन यू हियर मी? Thank you.
मार्ग का गन पोजीशन का लोकेशन भी दिखाई नहीं देता। सुबह होने से पहले हमारा अटैक पूरा उतर जाएगा शाहजी, वरना उन हरामजादों को हमारी सारी हरकत दिखाई देगी और कैजुअलिटी बढ़ता जाएगा शाहजी। जब तक इनकी गन पोजीशन और लोकेशन का पता नहीं चलेगा, कैजुअलिटी सुबह से भी बढ़ेंगी और वो पता करने के लिए सुबह का इंतजार करना पड़ेगा। सुबह हो भी जाएगी शाहजी तो गन पोजीशन और लोकेशन का पता कैसे चलेगा शाहजी? I have a plan. अपने पोजीशन पर रहने, जब तक सवेरा हो लेना। रेस्क्यू करो, ही हैज मैनेज्ड टू कैप्चर वन बंकर, लेकिन इस वक्त वो दुश्मनों से घिरा हुआ है एंड ही हैज नो रेशन एंड नो एम्युनिशन। ओके, विल यू गो? सुबह होने वाली है। आई विल गो नाउ। गुड, गो गो नटू, चलो। तेज कर रहा, तेरी गर्दन काट ले।
मनोज पांडे से छुपने की जगह ढूंढ ले, वरना पाकिस्तान में भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी। बाहर जाकर दुश्मन का पता लगाओ करता हूं, उसी के साथ उनकी लोकेशन और गन पोजीशन का पता चलेगा। साहब जी मैं भी चलूंगा आपके साथ कवर फायर देते हुए। नहीं, मेरे साथ कोई नहीं जाएगा। एंड दिस इज एन ऑर्डर। प्लाटून के हर आदमी की जिंदगी की जिम्मेदारी मेरी है। इज दैट अंडरस्टूड? जी साहब जी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत करो। गोमती कॉलिंग अल्फा। गोमती कॉलिंग अल्फा, ओवर। दिस इज अल्फा कॉलिंग मनोज, पास योर मैसेज, ओवर। सर, दुश्मन की पोजीशन लोकेट हो गई है। दे विल बी आउट ऑफ योर वे सून। यू विल सी द ट्राइकलर ऑन खालोबार। फैंटास्टिक मनोज, ऑल द बेस्ट, प्लीज टेक केयर, ओवर। यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ सर। आपको गोली लगी है और आपके घर में दो बच्चियाँ आपका इंतजार कर रही हैं। मेरा तो सिर्फ एक ही चीज इंतजार कर रही है, जीत। Over and out, sir. Right में दो बंकर्स हैं, left में चार। तुम एक सेक्शन लेकर राइट से अटैक करो। जी साहब जी। मैं 5 प्लेटून लेके लेफ्ट से अटैक करता हूँ। जी साहब जी। ओके। पाकिस्तानी को तो मैंने धर लिया है, लेकिन हमारा एमिनेशन और राशन खत्म हो गया और मुझे गोली लगी है। ओके, डोंट वरी, फर्स्ट एड, कम ऑन। शेरशाह कौन है मैं ना तेरा मदर? हमने तुम लोगों का वायरलेस मैसेज इंटरसेप्ट कर लिया था काफिरों। रॉकी नॉप पर तो तुम बच गए, लेकिन यहाँ तुम लोग मरने के लिए आए हो। शेरशाह नाम रख लेने से कोई शेर नहीं हो जाता। और हाँ, ऊपर आने की जरूरत मत करना, ऊपर आओगे तो वापस नहीं जा पाओगे, समझे तुम? तुम ठीक कहते हो, हराम के पिल्ले वापस वाकई मुश्किल होगी। दो चार लाशें उठाकर लाशें होगी, क्योंकि तुम्हारा प्यारा वतन तुम लोगों की लाशों को भी चढ़ने से इनकार कर दे। मैं तुम्हें कवरिंग फाई देता हूँ, तुम वापस चले जाओ। गो बैक टू फायर बेस। ओके ओके, रेडी गो। तू तो काफी समझदार है रे, बस एक काम कर ले, वो माधुरी दीक्षित हमारे वाले कर दे। खुदा कसम हम यहाँ से वापस चले जाएंगे। सॉरी, माधुरी जी तो बहुत ही बिजी हैं। तुम्हारे दफन के लिए मिट्टी जमा कर रही है बहन।
विक्रम साहब को गोली मार दी सालों ने, ओवर एंड आउट। छोड़ दे यार, सालों ने दिल पे गोली मार दी साहब जी। साहब जी कभी नहीं बोलूंगा साहब जी। जोसा, यस विकी, जोसा, विकी, जोसा, आई एम सॉरी सर। नहीं विकी, मैं अपना विक्ट्री कॉल सेंड देना भूल गया। ये दिल मांगे विकी, विकी We'll be right back.
वाला बैंग मर। किसी का बेटा है, किसी का भाई है। सोल्जर की रिस्पेक्ट टू अनदर, इसलिए हमारे विक्रम को। आई नो दैट। मुझे भी उतना ही दुख है जितना तुम्हें है, बट डोंट फॉरगेट वी आर सोल्जर्स, दे आर ह्यूमन बीइंग्स, अंडरस्टैंड? नॉट डन सर, नॉट डन। ये लोग इंसान नहीं है संजय कुमार, इट्स एन ऑर्डर इन देयर। कम इन गोमती। सूरज ढलने के बाद खालूबार पर अटैक करेंगे हम। घातक टू अल्फा। यस बलवान, कम इन सर। द घातक हैव टेकन टाइगर हिल सर। टाइगर हिल पर तिरंगा लहरा रहा है सर। एनी कैजुअल्टी? कैजुअल्टी तो हुई है सर, लेकिन ये कहना पड़ेगा कि द पाकिस्तानीज फॉट वेरी ब्रेवली सर। सर, इन पाकिस्तानियों की बॉडीज का क्या करें सर? गिव देम डीसेंट बरियल अकॉर्डिंग टू मुस्लिम राइट्स सर। आखिरकार 18 ग्रेनेडियर्स की जीत हुई है सर। वी टुक टाइगर हिल। कांग्रेचुलेशन बलवान। कम सून। भारत माता की जय। भारत माता की जय। यादव जी, यादव
जी रावी छोड़ कर चला गया तुमको मिले जीत ही जीत सदा बस इतना याद रहे एक साथी और भी था जाओ जो लौट के तुम घर हो खुशी से भरा जाओ जो लौट के तुम सर मैं विक्रम साहब की वजह से जिंदा आगे नहीं जाने दिया मुझे बोले तेरी बीवी बच्चे मेरा तो कोई नहीं है साहब धक्का मार के मुझे पीछे कर दिया एक साथी और भी था बस इतना याद रहे एक साथी और भी था चाणक्या इज इट ट्रू अबाउट शेरशाह संग्राम आई एम सॉरी विक्रम इज नो मोर मैं तुम्हारी कहानी अपने बच्चों को जरूर सुनाऊंगा कल पर्वतों पे कहीं बरसी थी जब गोलियां हम लोग थे साथ में और हौसले थे जवान अब तक चट्टानों पे है अपने लहू के निशान साथी मुबारक तुम्हें ये चश्मा है जीत का बस इतना याद रहे एक साथी और भी था बुरी आदत है जाते हुए तुम कभी पलट के नहीं देखते इस बार जरूर देखना वरना जिंदगी भर यहीं खड़ी रहूंगी
सबके सामने आंसू टपकाएगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हम आंसू टपकाएंगे तुम्हें जाते हुए देख के, आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो? जब तक सूरज चांद रहेगा, तो बर्फीली चोटी पे तिरंगा लहरा के आऊंगा, नहीं तो उसी तिरंगे में लिपटा हुआ चलाऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर, कल तुमसे बिछड़ी हुई ममता जो फिर से मिले, कल फूल चेहरा कोई जब तुमसे मिलके खिले, कल तुमसे बिछड़ी हुई ममता जो फिर से मिले, तुमसे मिल के खिले, पाओ तुम इतनी खुशी, मिट जाए सारे गिले, है प्यार जिनसे तुम्हें साथ रहे वो सदा, बस इतना याद रहे एक साथी और भी था। इतना याद रहे एक साथी और भी था, बस इतना याद रहे एक साथी और।